नैव करोतम देवी सरस्वती व्यासम ततो जयम गिरैर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सभी को हाथ लग रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत गले हम लोग श्रवण कर रहे थे कृष्ण कैसे मथुरा में कंस के कारागार में प्रभु जन्म ग्रहण किया। जन्म नहीं, कृष्ण वहां पर प्रकट हुए। प्रकट मतलब होता है पहले भगवान चतुर्भुज रूप में दर्शन किया। जब देवकी वसुदेव ने कहा प्रभु आपको तो मैं पुत्र रूप में प्रार्थना की थी, आप तो 16 साल के जैसे और चमकीले चमकीले कपड़े और घुंघराले केश लेकर के प्रकट हुए हो। तब भगवान ने कहा देखो पूर्व जन्म में तुम दोनों प्रश्नी और सुतभद्र देश का राजा और रानी, लेकिन तुम दोनों ने संसार का कोई विषय भोग नहीं की। पेड़ से जो पत्ता गिर जाता था उसको खा खा करके 10,000 साल तक तपस्या की। जब मैं संतुष्ट होकर के दर्शन दिया बोले वर्मा को तुम दोनों ने ये बताया बोले प्रभु आप जैसे हमें एक संतान चाहिए। भगवान बोले मेरे जैसे तो कोई संतान होते, मेरे जैसे नहीं है। ठीक है तुम्हारी तपस्या से मैं संतुष्ट हूँ, मैं ही तुम्हारी संतान बनकर आ जाऊंगा। इसलिए देखो अभी मैं छोटा बालक बन जाऊंगा, मेरे को गोकुल ले जाना, वहां पर एक लड़की जन्म हुई और मेरे को रख करके वहां से लड़की को ले जाना। इसलिए कल कृष्णा मथुरा में प्राकट्य हुए। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में कृष्णा कहते हैं अर्जुन मेरा जन्म नहीं, जन्म कर्म चमे दिव्यम, मेरे जो जन्म और जो कर्म है वो अवलौकिक अपराकृत है, लेकिन वो अजन्म होते हुए भी मैं जन्म लेता हूँ। फिर कृष्ण क्यों जन्म लेते हैं, हमारे टीकाकारों ने बड़ी बड़ी रहस्य बताए वो अजन्म होते हुए भी कृष्ण जन्म क्यों लेते हैं। आज हम वो कथा को सुनेंगे। बोले इसमें कुछ साधारण कारण है और कुछ विशेष कारण। साधारण कारण क्या है बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिः भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यः। बोले हे अर्जुन जब जब इस जगत में अधर्म बढ़ने लग जाए, धर्म की हानि होने लगता है, तब तक मैं इसी जगत में अवतीर्ण होकर के दुष्टों को विनाश करता हूँ, संतों को पालन करता हूँ। कहते ये पहला कारण है। बोले दूसरा कारण क्या है बोले अनुग्रहाय भक्तानां करोमि विविध क्रिया। बोले भक्तों को ऊपर में अनुग्रह करने के लिए मैं आता हूँ। अगर कृष्ण जन्म नहीं लेते आज जो हम भगवान की कथा सुन रहे हैं, कृष्ण लीला को सुन रहे हैं, फिर क्या कथा सुनते होते पर हमारे कल्याण कैसे होता, हमारे उद्धार कल्याण नहीं होता। यदि भक्तों को ऊपर में कृपा करने के लिए मैं जगत में अवतीर्ण होता हूँ। तीसरा कारण बताए
कहते प्रश्नी और सुतपा। अभी जो कथा सुन रहे थे उन्होंने कठोर तपस्या की, इन्होंने भगवान को अपना पुत्र रूप में प्रार्थना की, भगवान देवकी वसुदेव रूप में प्रश्नी सुतप आए और भगवान उनकी पुत्र बन करके आए। कहते तीसरा कारण, चौथा कारण बताए ये द्रोण और धरा, ये दोनों भी कठोर तपस्या की ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी बोले क्या चाहते हो? बोले प्रभु जैसे स्वाभाविक रूप में एक बच्चा माँ की पेट से जन्म लेता है, मैया उसको शासन करती है, डांटती है, पल्ले में झुलाती है, अंगुल पकड़ करके ठुमुक ठुमुक करके चलाना सिखाती है, ऐसे ही आप मेरे बच्चे बन करके आओ, मैं आपको पल्ले में झुलाना चाहती हूँ। बोले कोई बात नहीं, इसलिए कृष्ण मथुरा में तो प्रकट हुए लेकिन उनको पल्ले में झुलाया किसने, उनको चलाना किसने सिखाया, दूध किसने पिलाया? कहते श्री जसोदा और श्री नंद बाबा है। इसलिए बोलते नंदक के आनंद भयो जय कन्हैया, जोर से बोल जय कन्हैया लाल लाल की। कहते ये एक कारण है। और पंचमा कारण बताए, जिस समय राम लक्ष्मण सीता वनवास में थे, अभी राम रूप देख कर तो सुपर्ण था, वो बड़ी सुंदरी बन करके उनको शादी करने के लिए आए। बोले आप मैं जितने सुंदरी हूँ ठाकुर आपको उतना सुंदर बनाया, हमारे जोड़ बहुत प्यारा है, इसलिए आप मेरे से शादी कर लो। बोले भैया मेरे ऑलरेडी एक सीता पत्नी है, हैं? इतने में लक्ष्मण गया था लकड़ी लेने के लिए, जब वापस आया बोले ये कौन है? बोले ये मेरे छोटे भैया है। बोले भैया ये भी तो देखने में कम सुंदर नहीं, बोले इससे मैं ब्याह कर सकती हूँ? बोले तेरे जैसे मनमानी को कौन रोक सकता है, पूछ करके देख ले। लक्ष्मण को बोले तो लक्ष्मण बोले अभी तो प्रभु राम से कुछ प्रार्थना कर देते, ये बताओ तो रानी बनना चाहती हो ना नौकर? बोले रानी, बोले मैं तो प्रभु का सेवक हूँ, मेरे से शादी करोगे ना सेवकाई करते करते थक जाओगे, कहा रानी बनने की स्वप्न देख रख जाओ, राम के पास में जाओ। फिर राम ने इनकार कर दी, बोले ये सीता जितने गड़बड़ी का कारण है, इसको खा जाती है, जब खाने के लिए गई लक्ष्मण उसको नाक और नाक काट दिया, नाक काट काट दिए। तो बोले नाक काट क्यों काट दिए? लक्ष्मण गुरु, गुरु का काम होता है शिष्य को उपयुक्त बना करके ठाकुर को सेवा में लगाए। एक स्त्री कितने सुंदरी क्यों नहीं हो, उसकी नाक कान काट दो, दुनिया में शुक्र कोई पूछेगा? बोले और तो किसी की बन करके मत रहो, फिर प्रभु राम की बन करके रहो। इसलिए जब राम ही श्याम बन करके आई है तो वही वही जो सुपर्णा खाती फिर ये उपजा बन करके आती है, फिर ठाकुर जी उसको स्वीकार करते। बोले ये एक आ रहे हैं, कितना हो गया? चार। कितना हो गया? अब दिन नहीं गए, इसलिए कहती है पंचमा कारण हो गया। बोले छठवा कारण क्या है? बोले जिस समय भगवान बलि की दरबार में बामन रूप लेकर के आए, प्रभु बड़े सुंदर थे। अभी बामन श्री बलि महाराज की बेटी रत्नमाला थी, माताओं की एक स्वभाव है अगर किसी सुंदर बच्चे को देख लेना उसकी मन में इच्छा होता है हम इसको गोद में लेकर के हम प्यार करें। अभी रत्नमाला देख करके बोले अगर ये मेरे बेटा बन करके आता दिन रात उसको मैं गोद में लेकर के वे लालन पालन करती। भगवान बोले कोई बात नहीं, लेकिन जब दो पद में सब कुछ ले लिया अभी तीन पद रखने के लिए कोई स्थान नहीं, फिर बड़ा ठीक है आकरा था, इतने दान दूंगा कहीं तुम्हें झोली बसाने का जरूरत नहीं, बताओ किसने पद कहाँ रखो। फिर उन्होंने गरुड़ जी को बुला करके नाक पास बंधन में बांध दिया। अभी रात वाला सोच रही है ये तो बड़ा दुष्ट है, पहले बहुना सा बन करके आया था, सब कुछ मेरे पिताजी को ले लिया, फिर मेरे पिताजी को बांध भी डाला, अगर तो मेरे बेटे बन करके आओगे ना तेरे को मैं दूध क्या पिलाऊंगी, तेरे को मैं जहर पिलाऊंगी। बोले कोई बात नहीं जहर में पी लूंगा। इसलिए कृष्ण लीला में फिर हुआ बन करके आती है, क्या बन करके आती है बोलो, क्या बन करके आती है? हाँ माता जी पंडित है, इसलिए वो पुतना बन करके आती है, फिर ठाकुर जी उसके ऊपर में ठाकुर जी की परिकृपा होती है। कहते ये भी एक कारण है।
और जिस समय भगवान राम लक्ष्मण सीता राम लक्ष्मण श्री विश्वामित्र जी जनकपुर में पहुंचे, राम लक्ष्मण बोले गुरु जी थोड़ा आदेश दे दो, ये जनकपुरी को थोड़ा दर्शन करके आए। बोले दर्शन करना नहीं, ये जनकपुरी को दर्शन दे करके आए। जब राम लक्ष्मण प्रवेश किए, जो एक बार देख ले प्रभु रूप को, पूरा जनकपुरी में हल्ला मचा दी, क्या दो सुंदर बालक आए, ये नेत्र को आनंद करने वाले। और जितने सीता जी की सहेलियां जितने किशोरियां थी, कोई झरक से देख रही थी, कोई छत को ऊपर से देख रही थी। अभी प्रभु राम का एक स्वभाव था, वो कभी भी सर उठा करके नहीं देखते थे, हर समय सर को नीचा करके चलते थे। लेकिन जो छत के ऊपर में जो खड़ी हुई थी उनको दर्शन नहीं हो रहा था। इतने में उन लोगों ने थोड़ा खासे मतलब प्रभु राम था ऊपर को देखे फिर प्रभु का दर्शन हो जाएगा, लेकिन राम कभी ऊपर देखते नहीं, वो सर नीचा करके चलते हैं, क्योंकि ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। लक्ष्मण गुरु जी बोले गुरु जी का काम किया, बोले जीवात्मा को परमात्मा मिला इनका काम है। लक्ष्मण जी ने प्रार्थना किया, प्रभु जी थोड़ी सी ऊपर में झांक करके देखो, देखो तुम्हारी भक्त लोग तुम्हें दर्शन करने के लिए लालाए थे। राम ने कहा लक्ष्मण ये जनकपुरी मायापुरी, खबरदार इधर उधर देखना नहीं, सर को नीचा करके चलो। इतने में फिर प्रार्थना करते बोले प्रभु थोड़ी सी ऊपर में देखो ना। जब राम थोड़ी सी ऊपर में देखे, वो जितने किशोरियां थी प्रभु को देखे, वो सब के सब वहीं पर बेहोश हो गए। जब इनकी होश आई राम का पीछे पड़ गए, बोले प्रभु हमें ब्याह कर लो, हमसे शादी कर लो। राम ने कहा लक्ष्मण तेरे को पहले से मैं मना कर रहा था, अभी तुम भी ब्याह कर, तू सबसे शादी कर लो। इतने में बोले देखो ये रामा अवतार में एक सीता के सिवाय मैं किसी को ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, सबके सब द्वापर युग में तुम गोपी बन करके आओ, वही सबके सब गोपी बन करके आए। बोले ये भी एक कारण है। कितना हो गया? सात हो गया। हाँ, उसका आठवां कारण बताए, जिस भगवान राम जब अयोध्या में रहे 11,000 साल तक राज्य करते, हर साल एक एक अश्वमेध यज्ञ करते थे। वशिष्ठ जी ने कहा देखो राम, जब तक पत्नी तुम्हारी वाम पार्श्व नहीं हो कोई शुभ काम नहीं कर सकते हो। लेकिन उन्होंने सीता जी को तो वन में भेज दिया, बोले तेरे पिता भी ने तीन दिन शादी किए तो और एक शादी कर ले। बोले नहीं, राम सीता के सिवाय और किसको शादी कर ही नहीं सकता हूँ, गुरु जी और कोई उपाय बता। बोले सोने की सीता बना करके अपना बाम पार्श्व में रख करके तुम शादी कर सकते हो। बोले हाँ ये तो कर सकता हूँ। अभी हर साल एक सोने की सीता बनती थी और वशिष्ठ जी उसमें प्राण संचार करते थे और वो सीता साक्षात हो जाती थी। अभी इतने सीता से गई कहा, बल्कि सब के सब कृष्ण अवतार में सब के सब ये गोपी बन करके आए और हमारे प्रभु कृष्ण सबको स्वीकार किया। कहते कृष्ण ऐसे के देवता हुए ना, वो किसी को छोड़े नहीं, कोई भी आ गए उन्होंने किसी को छोड़े नहीं, सबको ठाकुर जी ने स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए कहते भैया अगर भक्ति करना है ना, कृष्ण को भक्ति करो, तुम कुबड़ी क्यों नहीं हो, राक्षस क्यों नहीं हो, दुनिया में भले ही तुम्हें कोई नहीं पूछे लेकिन कृष्ण को शरण में आ जाओ, कृष्ण सबको स्वीकार कर लेते हैं, केवल एक बार उनकी शरण में आने में देर है। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। भी एक कारण है कृष्ण क्यों आए, उसका नौ कारण हो गया, आठ हो गया। बोले दसवां कारण बताए, कहते कुछ वेद का ऋचाएं थे, मंत्र थे, उन लोगों ने कठोर तपस्या की, इतने में भगवान दर्शन दिए। बोले बताओ क्या चाहते हो। बोले प्रभु ये गोपियां जैसे आपको उपासना करती हैं,
हम भी गोपी भाव से तुम्हें भक्ति करना चाहते हैं। बोले नहीं ये दुर्लभ है, और कोई चीज मांगो। बोले हमें तो यही चाहिए। बोले कोई बात नहीं, तुम सबके सब द्वापर में गोपी बन कर जाओ। बोले ये भी एक कारण है कृष्ण उनको क्यों साथ स्वीकार किया। दसवां कारण बताए, बोले जिस समय राम लक्ष्मण सीता ये पहुंचे दंडकारण्य में, बड़े बड़े ऋषि लोग कठोर तपस्या कर रहे थे गोपाल मंत्र में, लेकिन उनको सिद्धि नहीं हो रही थी। जब कर रहे थे तो कर रहे थे, लेकिन राम को देख करके ना उनको श्याम की याद आई, क्यों राम श्याम तो एक ही है। अभी रामचंद्र को पति रूप में मांगे, बोले प्रभु अब हमारा पति बन जाओ। बोले नहीं, तुम सबके सब द्वापर युग में गोपी बन कर गया, फिर तब मैं तुम सबको स्वीकार करूंगा। ये जितने ऋषि थे सबके सब द्वापर युग में गोपी बन कर गया है। कितना हो गया? 10 हो गया। उसको 11वां कारण बताए, एक समय वैकुंठ से ठाकुर जी की चरण तुलसी और चंदन की खुशबू बहते बहते ब्रह्मलोक में आए। पहले ये चतुष्हर ये ब्रह्म ज्ञानी थे, भगवान को निराकार मानते थे, लेकिन जब इनकी नासिका में चरण तुलसी की खुशबू गई, इतने सुंदर था। बोले पिताजी, ब्रह्मा जी से पूछे, बोले पिताजी इतने सुंदर खुशबू कहाँ से आ रहा है? बोले ये वैकुंठ से नारायण की चरण तुलसी और ये चंदन की खुशबू है। बोले पिताजी अरे ठाकुर जी कितने सुंदर नहीं होंगे? बोले हाँ ठाकुर जी बड़े सुंदर है। बोले मैं उनको दर्शन करने के लिए जाऊं? बोले अच्छी बात है, क्योंकि ब्रह्मा जी को पता था तब तक भगवान को कोई निराकार निराकार बोलते हैं, बोले जब तक ठाकुर को दर्शन नहीं करते। अगर ठाकुर को दर्शन कर लेना, उनको दर्शन करते सब भूल जाते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले इन्हें बिलो कहती हर सीता, इन्हें बिलो कहती हर सीता, अभिशाप देते हैं, तुम दोनों राक्षस जन्म में चले जाओ। अभी तो रोने शुरू कर दिया। इतने में ठाकुर जी बाहर आए, बोले क्या बात? बोले ऐसे ऐसे, बोले देखो अगर तुम हमारी भक्त बन करके जाओगे ना, तीन तुम सात जन्म में आओगे, अगर मेरे शत्रु बन करके जाओगे तीन जन्म के बाद में आओगे, बताओ क्या चाहते हो? बोले प्रभु हम तो चाहते हैं जल्दी से जल्दी आपके पास में वापस आ जाए। बोले जाओ राक्षस बन कर दिया। इसलिए पहले जन्म में ये हिरण्यकशिपु बन कर आए, दूसरे जीवन में रावण कुंभकर्ण, तीसरे में शिशुपाल दत्त बकर बन कर आए, और चौथे जन्म में ये जगाई और माधाई बन कर आए। और भगवान ने उनको प्रेम प्रदान, ठाकुर जी उनको
प्रेम प्रदान करते हैं। इसलिए इस सब कारण है कृष्ण जगत में आए, तो आए उन्होंने क्यों जगत में आए। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। कितना कारण है, कितना कारण है, कितना हो गया, 11 हो गया। हाँ देखो, सबसे जो विशेष कारण, सबसे जो बड़ा कारण, सबसे बड़ा कारण बताइए, कृष्ण गीता की एक प्रतिज्ञा है। कृष्ण कहते हैं ये जथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि। हे अर्जुन, जो जैसे मुझे उपासना करती है उसके अनुरूप मैं उसको प्रेम प्रदान करता हूँ। भगवान की बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है, जो जितना भजन किया उतना मैं प्रेम प्रदान किया। लेकिन वो प्रतिज्ञा कहाँ पर टूट गया? कृष्ण जब गोपियों को साथ में रास रचा रहे थे, गोपियों ने इतने प्रेम की, गोपियों की इतने त्याग की, इन लोगों ने पुत्र परिवार भाई बंधु सब कुछ को उन्होंने त्याग दिया है, सब कुछ उन्होंने त्याग दी। इनकी सबसे बड़ी त्याग इनकी थी। जब त्याग करके आए ना, जब कृष्ण रास कर रहे थे, तब कृष्ण ने कहा, हे गोपियां, ब्रह्मा जैसे परमायु ले करके भी तुम्हारी रीति से मैं कभी उड़नी हो ही नहीं सकता हूँ। तुम लोग अपना गुण से मेरे अपराध को माफ कर दो। इसलिए दुनिया में कृष्ण दिखाना चाहते हैं, मैं गोपियों का प्रेम में जितने वशीभूत हुआ ना, और किसी को प्रेम में इतना मैं वशीभूत नहीं हुआ है। कभी इनके विशेष कारण है जगत में कृष्ण क्यों जगत में आए। आज हम लोग सुनेंगे कृष्ण कैसे गोकुल में नंद के लाला बनकर के आते हैं। बस श्री नंद बाबा के जो पिताजी, इनका नाम था श्री परजन बाबा, ये पांच भाई थे, उपानंद, सुनंद, नंद, अभिनंद और नंदन। पहले नियम ये होता था, जब 50 साल हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादीशुदा हो गया, फिर घर में कोई नहीं रहते, पहले 25 साल तक ब्रह्मचर्य पालन करो, अपना गुरुकुल में जाओ, सारे वेद पुराण उपनिषद को पढ़ो। 25 साल के बाद में गुरुजी प्रश्न करते थे, बोले बेटा बताओ क्या करोगे, क्या इच्छा है। जो व्यक्ति ये चीज को समझ जाता था, ये जीवन दुर्लभ है, 84 लाख जन्मों के बाद में मिला, ठाकुर जी बारंबार ये जन्म नहीं देते हैं, ये मानव शरीर नहीं, बोले ये मुक्ति की दरवाजा पर हम खड़े हुए हैं। ये 84 लाख जन्म भटकते भटकते ये मुक्ति की दरवाजा पर हम खड़े हैं, क्योंकि इसी जीवन में भक्ति करके हम ठाकुर तक पहुंच सकते हैं। और किसी जीवन में प्रभु की भक्ति नहीं होती है, संसार से जीव को मुक्ति नहीं मिलती। अगर ये चीज को जो समझ जाए, वो कहता था गुरुजी, हम तो और संसार में जाना नहीं चाहते, आपके श्री चरण में रह करके भक्ति करते करते ये संसार से मैं पार हो जाना चाहता हूँ। वो रह जाते थे गुरुकुल में और प्रभु की भक्ति करते करते ये जीवन को मुक्ति मार्ग में ले चलते थे। लेकिन जिनको ज्यादा ही संसार की वासना है, बगैर शादी के रह ही नहीं सकते थे, बोले देखो घर में जाओ, जा करके अपना वर्ण अनुरूप शादी करना, शादी करके दोनों पति पत्नी अपना गृहस्थ धर्म को जाजन करो और दोनों मिल करके भगवान की भजन करो। ऐसे नहीं शादी करके भगवान की भजन भजन छोड़ दिया और विषय की माया में मस्त हो गए, बोले ऐसे नहीं। इसलिए बोले गृहस्थ एक गृह में भी और एक होता है गृह व्रत, ये तीन बात है। बोले भैया गृह व्रत और गृह में भी मतलब क्या? बोले गृह में भी मतलब है जो सवेरे उठते ही घर में नमक है कि नहीं, हल्दी है कि नहीं, सब्जी है कि नहीं, चावल है कि नहीं, जिनकी दिमाग में केवल 24 घंटा नहीं घूमती, इससे सिवाय और कुछ नहीं जानते। और ऐसे ही जीवन को बस चावल हल्दी नमक में ही जीवन को बिता देना। कहते इसको कहते गृह मेधि, गृह व्रत मतलब क्या? बोले यही संसार ही हमारा सब कुछ, इससे और ऊपर कुछ है नहीं, खाओ पियो बच्चों को बड़ा करो और मर जाओ। बोले भैया गृहस्थ कौन है? बोले गृहस्थ हुए हैं, बोले गृह उपस्थित राजन,
क्रिया कुर्बन जथोचिता वासुदेव अर्पण सख्यात उपासित महामुनि। जो धर्म के मार्ग पर रह करके धर्म के द्वारा पैसा रोजगार करे और पति पत्नी दोनों मिलकर के भगवान की भक्ति करे, भगवान को भजन करते हुए जो जीवन बिता दे, तो वही असली गृहस्थ है। इसलिए गुरु जी कहते हैं बेटा उपयुक्त धर्म को द्वारा संसार धर्म करो, दोनों भजन करो, लेकिन कब तक? बोले 50 साल तक, उसको ऊपर नहीं। इसलिए 50 के बाद में जो अंक आता है 51, 52, 54, ये बन शब्द आता है। बोले 50 ऊर्ध्वे बनम ब्रज, 50 साल के बाद में घर छोड़कर कहां जाए? बोले वृंदावन जाए। और दोनों पति पत्नी मिल करके 52 वर्ष जीवन में दोनों भक्ति करते हुए भजन करते हुए अपना जीवन को बिता, लेकिन उसको बाद में फिर संन्यास है। इसलिए 51, 52 कहते, अगर बन नहीं जाओगे ना, फिर 59, 60, 61, 62 फिर तो सठिया बन जाओगे, फिर तुमसे कुछ होने वाले नहीं। लेकिन कल्याण हो सकता है बोले 69, 70, 71 हाँ तुम तर सकते हो, लेकिन कब तरोगे? बोले 60 सुधरे 70 संगत पाई। अगर इसी उम्र में सचमुच से कोई साधु की संग अगर तुम्हें मिल जाए, अच्छे संतों का दर्शन अगर मिल जाए, तो तुम्हारी कल्याण हो सकती है। इसलिए श्री परिजन बाबा ने देखा बच्चे बड़े हो गए, शादी हो गया, अभी हमें जान बुझ करके टांग अड़ा करके संसार में नहीं रहनी चाहिए। एक दिन उन्होंने 5 बच्चों को बुलाए, बोले बच्चों तुम लोग अपना राज्य संभालो। बड़े बेटे को बोले तुम राज सिंहासन में बैठो, हम दोनों पत्नी अभी वानप्रस्थ जीवन लेना चाहते, क्योंकि इसी जीवन जिस काम के लिए हमें मिला है वो काम अभी हम करना चाहते हैं। बड़ा बेटा ने कहा पिताजी यद्यपि मैं बड़ा बेटा हूँ, लेकिन राजा बनने का योग्य मेरे भी नहीं, ये नंदन अब इसी को ही राज सिंहासन दे दो। सब लोग प्रसन्न हो गए, नंद बाबा को बैठा करके दोनों भजन करने के लिए जब जा रहे थे, इतने में बच्चों ने प्रश्न की, बोले पिताजी हमारी कुछ प्रश्न का उत्तर दे करके जाओ। बोले बताओ क्या प्रश्न है? बोले भगवान हमें जो मानव शरीर दिया है, ये जीवन का लक्ष्य क्या है? क्यों हमें ये मानव शरीर मिला है? बोले देखो बच्चों, जीवन का लक्ष्य है भगवत प्रेम। अगर जीवन में भगवत प्रेम अगर तुमने प्राप्त कर लिया जीवन में, समझो कि जीवन मिलना तुम्हारी सार्थकता हो गया। लेकिन अगर सारा दुनिया की कर्तव्य का तुमने पालन की ठीक ठीक से, लेकिन भगवत भजन नहीं किया, प्रेम नहीं मिला, तो ये जीवन बेकार। बोले पिताजी हमें जीवन में हमें रक्षा कौन करेंगे? बोले संत ही रक्षा करेंगे, यही हमें सदमार्ग दिखा करके। इसलिए बोले बिनु सत संग विवेक न होइ, राम कृपा बिनु तुला भन सोइ। केवल साधु संग ही हमें जीवन में ये सदमार्ग दिखाने वाले साधु संग है। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न किए, उनको सारे प्रश्न का उत्तर दे करके दोनों पति पत्नी चले गए। अभी 4 भाइयों का तो बच्चा है, लेकिन श्री नंद बाबा के घर में बच्चा नहीं। इसलिए उन्होंने तपस्या, योग, दान, पुण्य, यज्ञ सब कुछ उनके घर में, एक लाला की जन्म हो जाए, लेकिन घर में लाला ही नहीं भाई। नंद बाबा बड़े दुखी है, ये लाला अभी तक जन्म नहीं लिया, अभी सोच रहे कब घर में लाला हो। मैया जसोदा की उम्र बीतती जा रही है बच्चे होने का। गांव में कुछ साधु लोग आए और साधु सेवा की बड़ी महिमा बताए। बोले नंद बाबा जो ना करे लकड़ी सो करे फकरी। बोले भैया अगर ऐसे हो कुछ दिन रह जाओ वृंदावन में, गोकुल में कुछ दिन रुको और हमारी सेवा ग्रहण करो, खाने पीने का कोई अभाव नहीं। बोले भैया अगर खाना पीना मिल जाए कुछ दिन रह जाओ। अभी संत लोग बड़े मस्ती से भजन कर रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, भैया गोविंद जय जय गोपाल।
तेरे गोद में बड़ा सुंदर है कि लाला श्याम रंग पहुरा है।
अब तुम्हारी संतान पान करते समय ये दोनों धार से दूध बहते हुए कुर्ता भीग रहा था। मेरे को स्वप्न नहीं लगा सचमुच से तेरी गोद में एक बच्चा है। जसोदा बोली मेरी स्वप्न की बात सुन लो। बोले बताओ। बोले मैंने भी देखा एक सुंदर बालक मेरे पीछे पीछे मैया 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 बोल करके आ रहा है और कपड़े को खींच करके बोले मैया मेरे को गोद में ले ले, मेरे को गोद में ले ले। मेरे को स्वप्न नहीं लगा सचमुच से कोई एक लाला है। और उसी रात को ही मैया ने गर्भ धारण की और ब्रज में बड़ा हल्ला हो गया। बोले भैया संतों की बड़ी कृपा है। मैया की उम्र बीत गई, संतान की बीत गई थी, लेकिन संतों की कृपा तो देखो कैसे, इनकी कृपा से कैसे मैया यशोदा गर्भ धारण की। रास्ता में फिर जब संतों को देखो ना, बोले राम राम बाबा। अभी बाबा को तो बड़े खातिरदारी और मन लग गए। अभी उनकी जो बहनी सुनंदा आकर के सारे घर का काम काज को देख रही थी, वो 6 महीना पहले आकर घर में बैठी गई। बोले क्यों? बोले भाभी अभी गर्भवती, अगर लाला होगा ना हमें बड़े सुंदर नल ला की हार मिलेगी। अब घर का सारे काम काज वही कर रहे थे। एक बड़ी बड़ी गोपियों ने बोले भैया भैया तो तुमने कुंवारी पड़ में कोई जुड़वा केले तो नहीं खा ली थी? बोले क्यों? बोले लगता है तुम्हारे गर्भ में 2 बच्चा है, सचमुच से कृष्ण और जोगमाया जी। किसने कहा माता जी तेरे गर्भ में लाला होगा? बोले पता कैसे चला? बोले तेरे जो होठ है ना पीला पीला दिख रहा है, इसका मतलब है तेरे लाला होने वाले हैं। मैया जब गर्भ में थी, बच्चे हो ना माताओं को चटपटी चीजें अच्छी लगती हैं। बोले मेरे को तो खीर खाने की इच्छा कर रही है, हमें खीर बनाकर खिला। तो उन्होंने खीर बना करके ठाकुर को भोग लगाए और श्री मैया यशोदा को उन्होंने खीर खिलाए। लग रहा था आज रात को ही, ए बच्चों ये बच्चे खेलना नहीं यहाँ पर, ए बच्चे ये बच्चे एकदम नहीं खेलना, चुपचाप बैठे तब घर से चले जाओ, नहीं तो बाहर चले जाओ, खेलना नहीं जाओ बाहर जाओ, जब टपी बांटे तब बाहर जाओ। इसलिए अभी मैया यशोदा हैं, अभी ऐसे लग रहा था आज रात को ही संतान की जन्म हो जाएगी। बोले एक काम करो, 8 बजे तक सबके सब जगे रहते थे, उसके बाद में सबके सब सो जाते थे। बोले 2 घंटा 2 घंटा ड्यूटी लगवा दो, अभी 8 से 10, 10 से 12 अभी ड्यूटी लगवा दिए। लेकिन जब ड्यूटी लगवाए सबके सब बैठ कर कीर्तन कर रहे थे, लेकिन 10 से 12 बजे तक जिसको ड्यूटी लगाए योग माया ने सबके सबको उन्होंने सुला दिया। लेकिन पता नहीं कब श्री वसुदेव महाराज आए, और उन्होंने वसुदेव महाराज जब आए कृष्ण को लेकर के आए, लेकिन नंद बाबा कहते भैया यशोदा 2 बच्चे को जन्म दी, पहले कृष्ण उसको बाद में योग माया, ये 2 बच्चे जन्म दी थी। अभी यहाँ प्रश्न होता है, अरे कृष्ण तो 2 हो गए, एक गोकुल में कृष्ण और एक मथुरा के कृष्ण, पर 2 कृष्ण हुए तो 1 कृष्ण गए था। एक जो मथुरा के कृष्ण ये अंश है और जो गोकुल में जो कृष्ण जन्म हुए पूर्ण कृष्ण है, इसलिए ये पूर्ण कृष्ण ने अंश कृष्ण को उन्होंने अपना शरीर में मिला दिया। लेकिन ये बात किसको पता ही नहीं चला ये बात को, इसलिए वसुदेव महाराज सोच रहे कृष्ण मेरा लाला है और नंद बाबा सोच रहे लाला मेरे है, लेकिन लाला दोनों का है, इनका भी लाला दोनों भी लाला, क्योंकि ये दोनों ही तपस्या की थी, ठाकुर जी हमारे संतान बन करके आए, इसलिए कृष्ण दोनों का ही संतान है कृष्ण। तो भैया ये कोई प्रमाण है क्या? बोले भागवत में है, ये जो राशि जो हमारे गोपी गीत का जो पहला श्लोक में ये गोपियां गा रही हैं, कहते जय तीर्थिका जन्मना प्रजा श्रयत कीर्तिरा शाश्वतत्र दैत दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता सव त्वां विचेर्मते। गोपियां कहती हैं, क्या गोपियां कह रही हैं? बोले हे श्याम सुंदर, हे कृष्ण, जब से तुमने ब्रज में जन्म लिए हो तब से ये ब्रज की जयजयकार हो रहा है, ब्रज फलते फूलते जा रही है,
लेकिन केवल तुम्हारी गोपियां ही तुम्हारी गिरा में रो रही है, लेकिन ब्रज में सबके सब सुखी है। यदि गोपियां कह रही है ब्रह्मा जी पितामह ब्रह्मा जी कहते हैं मृदु पदे पशुपांग जाय। श्री ब्रह्मा भी यही बात कह रहे हैं, बोले कृष्ण कौन है, बोले पशुपांग जाय। पशु का मतलब श्री नंद बाबा जो गैया को चराते हैं, बोले उनकी अंग से जो प्रकट हुए हैं श्री नंद के लाल है। कौन कह रहे हैं, श्री बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं। फिर जब सुखदेव गोस्वामी कृष्ण का नामकरण कर रहे थे, वो भी कहते हैं बोले देखो श्री नंद बाबा ये जो लाला है ना, कभी ये कभी श्री प्राग अयम वासुदेव कुचित जात तबात्मज, कहते ये लाला तो तेरा है, लेकिन उसने कभी उसने नंदक श्री वसुदेव का भी कभी उन्होंने बेटा बन कर आया, इसलिए इसका नाम तो एक कृष्ण होगा लेकिन इसका एक नाम श्री वासुदेव भी होगा। कहते श्री सुखदेव गोस्वामी ये बात को कहते हैं। और नंद उत्सव का जो पहला श्लोक है बोले नंदस्तु आत्मद जाता लाद महामना, इसलिए कहते ये नंदस्तु आत्मज बोले ये किसके बेटा है, बोले श्री नंद के ये बेटा है, इसलिए कहते हैं ना नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। लेकिन कोई नहीं कहता है वसुदेव का आनंद भयो, कोई कहते हैं सबके सब कहते हैं नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। कहते हैं कि भैया कुंती जब कृष्ण को स्तुति कर रही थी, वो स्तुति में कहती है बोले कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कहते कृष्णाय बोले ये कौन है, बोले कृष्ण, बोले कौन, बोले वासुदेवाय जो वसुदेव का बेटा बनकर आया है। कहते देखो यहाँ पर तो कह रहे भैया वसुदेव का बेटा बनकर आया है, ये तो वसुदेव का लाला है इसलिए इनका नाम वासुदेव है। कहते नंद श्री नंद बाबा की भी अष्टम वसु में जो वसु है ये नंद बाबा में भी प्रवेश किया है, इसलिए नंद का भी एक नाम है कि श्री वासुदेव। बोले देवकी नंदनाय च, ये कौन, बोले देवकी की बेटा है इसलिए देवकी नंदन है। बोले मेरा देवकी नंदन जो बताए, बोले दो नाम ने जसोदाया, जसोदा के दो नाम है, एक देवकी है और एक यशोदा। फिर उसको क्लियर करते हैं बोले नंद गोप कुमाराय, बोले किसका बेटा, श्री नंद के लाला है, बोले श्री नंद के लाला की जय जय श्री राधे। इसलिए अभी श्री कृष्ण जब जन्म हुए, अभी किसको पता ही नहीं पड़ा कृष्ण कब जन्म हुए और वसुदेव कब अदला बदला करके बेटी लेकर चले, कृष्ण को बताई नहीं, जो माया सबको सुला करके रखी। सवेरे सवेरे सुनंदा के आंख में बोले भैया सबसे सब सोए पड़े हुए, पता नहीं भाभी का क्या हालत है। उन्होंने दरवाजा खोल करके देखा मैया की गोद में बड़ा श्याम सलोना सा बालक पौड़ रहे हैं और किलकारी मारते हुए कह रहा था, बोले भैया लाला कब जन्म हो गया किसको बता ही नहीं पड़ा, सबके सब सोए पड़े हुए। पहले नंद बाबा को खबर दो, फिर मेरे को नबलाख हार मिलेगी। लेकिन नंद बाबा है कहाँ तो ढूंढो, ढूंढते ढूंढते ब्रह्मांड घाट में देखा नंद बाबा बड़े बूढ़ों को बीच में बैठ कर माला जप कर रहे थे। माला तो जप नहीं हो रहा था, सोच रहे थे घर में लाला कब होएगो, घर में छोरा कब होएगो, लाला कब होएगो, यही सोच रहे थे। इतने में सुनंद आ करके बोले बोले भैया कमाल है गये हुए, इतना बोलते नंद बाबा तो छलांग लगा। बोले बहन ने कहा भैया भाई, बोले पहले बता मेरे को मिलेगा क्या, मैं छह महीना से घर में बैठी हूँ, ऐसे नहीं बैठी गई छह महीना से, मेरे को पता है भाभी की लाला होने वाला है इसलिए तो मैं बैठी हुई हूँ, बताओ मेरे को मिलेगा क्या। बोले नहीं नबला की हार दे रहा हूँ। बोले भैया बात इतने बड़ी जिसको सामने नबला की हार भी कुछ नहीं। बोले क्या, तेरे को पता है ये हार की कितना कीमत है,
9 लाख की हार है। बोले भैया बात तेरे को पता है, बात कितने बड़ी, इतने बड़ी बात जिसको सामने 9 लाख हार में फीकी है। बोले बता और क्या करूं। लो वो जमुना किनारे में जो गैया चराते चरते हैं वो जितने जमीन जगह तेरे नाम पर लिखा था जा। बोले भैया वो भी इसको सामने फीकी। बोले क्या इतने बड़ी बात। बोले हाँ। बोले बता तो सही। बोले और बताओ क्या दोगे। बोले ले ट्रेजरी का सारा चांदी का चिट्ठी ले, जो इच्छा ट्रेजरी खोल करके ले लेना, लेकिन ये बता तो सही घर में कहाँ भयो है। बोले भैया तेरे घर में लाला भयो है। बोले श्री नंद के लाला की जय। अभी नंद बाबा को उसने दौड़ लगाई, कितने उन्होंने तपस्या और कितने दान पुण्य किए थे तब घर में लाला होएगा। जब पहला बार लाला की मुख दर्शन की उन्होंने संकल्प लिया ब्राह्मणों को 20 लाख गया दान देना। ब्राह्मणों को 20 लाख गया दान देना। आज संजय प्रभु की जय। माधव प्रिय प्रभु की जय। एक नीचे चेयर दे, चेयर दे, आए चेयर दे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.
हैं, ये हमारे और बड़ी साधु संतों की बड़ी सेवा करने वाले जीवन है। सारा जीवन ये दोनों महापुरुष सारा जीवन साधु संत की सेवा करते हुए अपना जीवन को इन्होंने बिताए, इसलिए आज हमारा बड़ी सौभाग्य का दिन है जो प्रभु लोग कृपा करके यहाँ पर हमें कृपा करने के लिए दर्शन देने के लिए आए। प्रभु थोड़ा कथा सुनाएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद में सब भक्त लोग थोड़ी देर बाद में आ जाए, फिर प्रभु जी हमें कुछ कुछ अच्छी अच्छी बात सुनाएंगे। जीवन में हम कैसे साधन वचन करें और जीवन में हम कैसे गुरु वैष्णव की सेवा करें, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम, हरे कृष्ण। अभी श्री नंद बाबा ने कृष्ण का मुख दर्शन करते ही उन्होंने संकल्प लिया, बोले ब्राह्मण को हम 20 लाख गैया दान देंगे और 7 तिल का पर्वत में दान दूंगा। तिल दान की बड़ी महत्व है, और उन्होंने एक नाई को बोल दिया, बोले जाओ तुम लोग जा करके ब्रज में ढिंढोरा पिटवा दो, मेरे घर में लाला भयो है, सारे को सारे ब्रजवासी दर्शन करने के लिए बधाई देने के लिए आए। जब उन्होंने सारे ब्रजवासी पहले से ही हैं, पहले से ही देख रहे थे नंद के लाला कब होगा, क्योंकि देश में कोई भविष्य में राजा नहीं। जब ब्रजवासी लोग ने सुना नंद के लाला हुआ है, सब गोपियां 16 श्रृंगार द्वादश आभरण पहन करके सबके सब सज धज करके दूध दही मक्खन और मिश्री को लेकर के बधाई देने के लिए आई, और जितने गोपियां थी कान में सुंदर सुंदर कुंडल पहन रखी थी, और वो कुंडल जोर जोर से हिल रहा था, मानो कुंडल यह बता रहा था तुम लोग को पहुंचने से पहले हमें ही छोड़ दो, हम जाकर के नंद लाला को हम बधाई दें। जो चोटी में सुंदर सुंदर फूलों की माला से जो श्रृंगार की थी, वो एक एक फूल गिरते गिरते जा रहा था, बोले कहां, बोले गोपियों के चरण में, बोले क्यों, बोले जो लोग कृष्णा की बधाई देने जा रहे हैं उनके चरण की पूजा करनी चाहिए, वंदना करनी चाहिए। अभी अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे कृष्णा जो गोकुल में जन्म हुए हैं, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, बोले एक नियम है बच्चे का नाड़ी छेदन होने से पहले जो दान है वो दान को सर्वोत्तम दान मानी जाती है। नाड़ी छेदन होने से पहले आप लोग बच्चे को जन्म दिए होंगे, अब देखना माँ के पेट के साथ में वो नाड़ी रहता है, नाल रहती है, फिर वो नाड़ी काटी जाती है, लेकिन मथुरा में उनकी नाड़ी नहीं काटी गई। क्यों? कृष्ण मथुरा में जन्म हुए ही नहीं, कृष्ण मथुरा में प्रकट हुए हैं, चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए, पूर्व जन्म की बात को बताए, भले तुम हमें लेकर के गोकुल में छोड़ देना और वहां से लाली को ले आना, केवल इतना बोल करके फिर वो बच्चा बन गया है। इसलिए वहां पर कृष्ण जन्म नहीं, कृष्ण वहां पर प्रकट हुए नहीं, लेकिन जैसे एक माँ की पेट से स्वाभाविक रूप में एक बच्चा जन्म लेता है, कभी गोकुल में ही कृष्ण यहाँ पर जन्म लिया। इसलिए अभी अभी हम सुन रहे थे कैसे गोपी गीत का पहला श्लोक में बताए जयति ते धिकम जन्म ना प्रजा, ये गोपियां तो झूठ बोलेंगी नहीं, इसलिए कृष्ण कहां जन्म हुए, जयति जन्म ना ब्रज, वो ब्रज में जन्म हुए ही। अब ब्रह्मा जी क्या बोले, बोले वसुपांग गजाय, ये कौन है जो गैया को चराने वाले श्री नंद लाला नंद बाबा की अंग से ये प्रकट हुए हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं, प्राग अयम वसुदेवस्य कोचित जाता तबाद मज, जो बेटा ये तेरा है लेकिन ये कभी वसुदेव का भी बेटा बना है, इसलिए इनका नाम वासुदेव होगा। नंद उत्सव का पहला श्लोक है, बोले नंदस्तु आत्मज जाता लाद महावना, ये नंदस्तु आत्मज, बोले किसका बेटा, बोले नंद का ही बेटा, इसलिए कहते रुद्र जामल में शंकर जी पार्वती को ये बात कह रही है, बोले पार्वती मैंने स्वयं देखा, बोले क्या देखे, बोले जसोदा नंद पत्नी च सुसुवादे समम तदा, बोले मैंने देखा है मैया जसोदा ने एक साथ में दो संतान को जन्म देती है, पहले कृष्ण को जन्म दी, उसको बाद में जोग माया को जन्म दी, इसलिए घने सौदा भी नहीं जता,
जैसे आकाश में बिजली चमकती है, ऐसे ही जो वृंदावन का जो कृष्ण, गोकुल में जो कृष्ण पूर्ण और अंश कृष्ण को अपना शरीर में मिला दिया। शंकर जी की बात पार्वती को ये बात कह रही है। इसलिए अभी बोले भैया जाओ, अभी जितने ब्रज गोपियां सबके सब सज-धज करके आई और मैया यशोदा को बधाई दे रही थी। मैं बोलूंगा मैया यशोदा बधाई हो, और जितने माताएं बैठे ना सबके सब, आप सबके सब बोलना बधाई हो, बधाई हो। ठीक है, बोले मैया यशोदा बधाई हो। आनंद नहीं आया और थोड़ा जोर से जोर लगा कर बोले, बोले मैया यशोदा बधाई हो। मैया यशोदा बोली बधाई हो ब्रज की गोपियों, तुम लोगों को आशीर्वाद से ये बूढ़ी उम्र में भी मेरे को लाला का मुखा दर्शन मिलो है। ये लाला मेरो नहीं, ये लाला तुम लोगों को लाला है। अब सबके सब जितने गोपियां अपना हृदय से उनको आशीर्वाद दे रही थी, बोले क्या बोल रही थी उनका आशीर्वाद, बोले युग युग जियो यशोदा मैया। ठीक है, इसलिए सबके सब आशीर्वाद दे रही थी, युग युग जियो रे यशोदा मैया तेरो ललना, सब हृदय से आशीर्वाद दे रही थी। अभी सबके सब तो आ गए, लेकिन ब्रज में ये नंद बाबा और श्री विश्वभर महाराज दोनों में बड़ी मित्रता है। अभी उन्होंने विश्वभर महाराज को भी नौता भेजे, बोले घर में लाला भयो आओ। सबके सब तो आ गए, अभी विश्वभर महाराज कृतिका मैया अभी तक नहीं आई। अगर ये दोनों आ जाए ना फिर नंद उत्सव प्रारंभ होगी। देखते देखते श्री वृषभानंद महाराज कृतिका मैया सभा में प्रवेश करती हैं। अभी कृतिका मैया भी बड़ी सुंदर श्रृंगार करके आई थी, और एक मटके में दही, एक में दूध, एक में मिश्री, एक में मक्खन, एक में घी लेकर के आई थी। इतने में एक गोप आया, वो मटकी को बड़े जोर से मारे, डंडे से मारते ही वो मटकी फूट गई और कृतिका मैया को दूध दही से स्नान कर ली। एक दतिका दी होती है दही में हल्दी और उसमें घी मिला करके एक दूसरों को ऊपर में लगाते हैं, एक दूसरों को ऊपर में लगा रहे थे। इतनी वहां दही दही कीच कीच हो गई, फिसल फिसल करके एक दूसरों को ऊपर में गिर रही थी और गा रहे थे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, सबके सब गा रहे थे। एक बड़ी बूढ़ी गोपियां आई, बोले भैया बड़े जोर के नंद महोत्सव है रहे, वहां पर तो मक्खन के डेले को डेले एक एक उठा करके दूसरों के ऊपर फेंक रहे थे। वो बूढ़ी भैया की एक भी दांत थी नहीं, वो तो ऐसे देख रहे थे, बोले भैया नंद उत्सव तो बड़े जोर से हो रहा है। एक गोपा ने उठाया मक्खन की डेला और वो माता जी के मुंह को लक्ष्य करके मारे, उसको तो एक दांत नहीं थी, मुंह में लगाना पूरा अंदर में सट गया मक्खन। बोले भैया नंद महोत्सव में कोई भूखे नहीं रहते हैं। इतने में नंद बाबा बैठे बैठे कर दर्शन कर रहे थे। नंद बाबा का जो आंगन बहुत बड़ी आंगन है, इतने दूध दही मक्खन लाए थे, वो पूरा आंगन आंगन भर गया। ऐसे लग रहा था जैसे दूध का कोई खीर समुद्र है, खीर समुद्र जैसे लग रहा था। नंद बाबा को ब्रजवासियों ने बोले, बोले नंद बाबा आज तेरे घर में लाला भयो है, देख सारे ब्रजवासी नाच रहे हैं और तुम यहाँ पर मटक मटक कर देख रहे हो, आज का दिन थोड़ा तो नाच लो। अभी नंद बाबा अपना कमर में बड़े सुंदर फेटे को बांध करके रखे थे और सारे ब्रजवासी उनको पकड़ करके ले आए, कहां पर आंगन की बीच में उनको ले आते हैं, और एक तरफ में नंद गांव के गोप पकड़े हुए थे, दूसरे तरफ में बरसाना की गोप पकड़े हुए थे। ऐसे लग रहा था मानो यहाँ पर श्री खीर समुद्र यहाँ पर मंथन होने जा रही है। हमारे श्री कवि कर्णपुर ने बड़ी सुंदर इसको वर्णना करते हैं। श्री कवि कर्णपुर, कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, ये लवण समुद्र देवता दैत्य मिलकर के किया, जिसमें सबसे पहले निकला बीस, जिसको शंकर जी पान किया तो जिनका नाम हो गया नीलकंठ। लेकिन यहाँ पर समुद्र मंथन में सबसे पहले उठा तो बीस,
लेकिन यहाँ पर सबसे पहले कौन निकला, बोले नंदस्तु आत्मत जाता हाथ महामना। लेकिन यहाँ पर जो मंथन में सबसे पहले श्री आनंद का श्री कृष्ण सबसे पहले जन्म हुए। कल जो हम श्रवण कर रहे थे समुद्र मंथन से 14 रत्न निकला था, लेकिन यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णना करते हैं, कहते श्री नंद बाबा इतने ब्राह्मणों को संतों को दान किया, बोले रमा क्रीड़ा अभूत निर्भव, बोले हे परीक्षित महाराज नंद बाबा इतने सोने चांदी दान कर रहे थे, ब्राह्मण लोग तो गठली बांध बांध करके नहीं ले पा रहे थे, गठली की कोने से हीरे जवाहरात गिरते 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 जा रहा था, ऐसे लग रहा था मानो कृष्ण गोकुल में जन्म लेने पर माँ लक्ष्मी स्वयं आनंद कुमारी गली गलियों में नृत्य कर रही, गली गलियों में। कहते कल जो समुद्र मंथन हम लोग ने सुना था, दैत्य और देवता मिल करके समुद्र मंथन की थी, एक रजोगुणी और एक तमोगुणी, लेकिन यहाँ पर नंद बाबा के कमर के एक तरफ में नंदगांव के गो, दूसरे तरफ में बरसाना का गो, ये दोनों ही निर्गुण हैं, ये दोनों ही ब्रजवासी हैं। कभी ये नंद महोत्सव में 33 करोड़ देवता दर्शन करने के लिए आए थे, श्री भोले बाबा भी आए थे दर्शन करने के लिए, लेकिन नंद बाबा को 20 लाख गया दान दे। अभी भोले बाबा का वाहन कौन है बताओ, तो भोले बाबा का वाहन कौन है, नंदी। अभी शंकर के चक्कर में पड़े थे, बोले क्यों, बोले आज इतने दान दे रहे हैं 20 लाख गैया, हो ना हो गैया को दान देते देते मेरे नंदी भी तो बैल है ना, अगर उसको अगर दान में दे देंगे भैया घर में बैठ कर किस में जाऊंगा। शंकर जी तो नंदी को पूछ पकड़ लिए, मेरी नंदी कहीं दान में नहीं चले जाए। वहां मैया पार्वती भी आई थी, उनकी भी दो बेटे हैं, एक कार्तिक और एक गणेश, एक कार्तिक और एक गणेश है। कहते ना हाथी घोड़ा पालकी, हाथी घोड़ा पालकी, उन्होंने इतने हाथी घोड़े दान दिए, बोले भैया पार्वती भी डर गई, बोले क्यों डर गई, बोले भैया मेरा बेटा भी गजानन है, उसका सर भी हाथी जैसे, हो ना हो हाथियों को दान देते देते भूल से मेरे बेटे को हाथी मान करके तो दान में नहीं देते, इसलिए उन्होंने गणेश जी को गोद में लेकर के चुपका करके खड़ी हुई थी। वहां पर कुबेर भी आए थे, धन कुबेर, कुबेर इतने नंद बाबा दान दे रहे थे, धन कुबेर जिसको देख करके लज्जित हो गए, इनका सर नीचा हो गया, बोले क्यों, बोले भगवान मेरे को झूठ मूठ का कुबेर क्यों बनाया, आज नंद बाबा इतने दान दे रहे हैं, भैया मेरे पास में इतने धन दौलत नहीं, इतने दान दे रहे हैं। कहते प्रश्न करते हैं, भैया इतने दान फिर कहाँ से लाए, इतने सोने चांदी हीरे जवाहरात कहाँ से लाए, बोले रमा किरण अभूत नृप। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जब कृष्ण जन्म हुए, कृष्ण की जो लादिनी शक्ति, इनकी जो स्वरूप शक्ति श्री राधा रानी भी वहां पर प्रकट हो गई, इसलिए रमा किरण, यहाँ रमा मतलब मूल रमा लक्ष्मी श्री राधा रानी, यदि ये ब्रज भूमि तो राधा रानी की क्रीड़ा भूमि बन गई, राधा रानी रिद्धि सिद्धियों का आदेश देती है। तद आज मेरी प्रियतम की जन्म उत्सव में इतने दान दक्षिणा दी जाए, इतने दान दक्षिणा दी जाए, जब तक ये दुनिया रहेगा तब तक याद करे नंद महोत्सव में नंद बाबा ने कितने दान दक्षिणा किया था, इसलिए अभी सारा दुनिया नाच रही है गा रही है, सारा दुनिया सब के सब प्रसन्न होकर के गा रहे हैं नाच रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति को उत्सव में है नहीं, बोले कौन है, बोले माता रोहिणी, बोले रोहिणी क्यों नहीं, बोले कारण है कि रोहिणी ये प्रसिद्ध भद्रिका है, बोले प्रसिद्ध भद्रिका का मतलब क्या, बोले जिसका पति दूर देश में और विपत्ति में हो, पति कौन, वसुदेव, कहां पर, मथुरा में, किस रूप में, बोले कंस के कारागार में, अगर किसका पति कारागार में बैठा हुआ हो पत्नी सबके सामने नाचेगी, कभी पत्नी नाच सकती है, इसलिए नहीं नाच सकती है, इसलिए रोहिणी बड़ी दुखी होकर के बैठी हुई थी,
नंद बाबा ने देखा भैया मेरे लाला की जन्म उत्सव में सबके सब नाच रहे गा रहे हैं, लेकिन घर की सदस्य ही है नहीं। इतने में गए रोहिणी को पास में, बोले रोहिणी देख मेरे लाला जन्म हुआ है, घर में तुम दो ही स्त्री हो, एक जसोदा और एक रोहिणी। अभी जसोदा तो बच्चे को जन्म दी, अभी तो कुछ काम नहीं कर सकती ना, अभी घर का काम काज को तो तेरे को देखना पड़ेगा, लेकिन मेरे को पता है तुम प्रसिद्ध पत्रिका हो, मेरे को पता है, लेकिन कम से कम लाला को आशीर्वाद तो दे करेगा। लेकिन कहते बलदेव प्रभु भी जन्म से वो भी आंख बंद करके रखे थे, वो सोच रहे थे सबसे पहले मैं अपना कन्हैया को देखूंगा और ये दुनिया को घर में देखूंगा। इतने में रोहिणी माता बलदेव प्रभु को ला करके कृष्ण को पास में रख देते हैं, रखते ही इतने में बलदेव प्रभु आंख खोल दिए। जब आंख खुले फिर कन्हैया को दर्शन की, रोहिणी माता जब देखा मेरे बेटा जन्म से आंख बंद कर रखी थी, लेकिन आज पहला बार उसने आंख खोली। इतने में मैया रोहिणी को तो रह नहीं गया, वो भी ठुमुक लगा कर को भी नाचना शुरू कर दिया। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं रोहिणी च महाभागा, यहाँ पर कह रहे हैं मैया रोहिणी ये बड़ी भाग्यवती। बोले क्यों सुखदेव गोस्वामी महाभागा क्यों कह रहे हैं? बोले कारण है कृष्ण तो मथुरा में प्रकट हुए, लेकिन उत्सव कहाँ हो रहा है? गोकुल में। लेकिन मथुरा वासी कोई भी ये उत्सव का आनंद नहीं ले सके। आनंद किसने लिया? केवल एक मथुरा की एक सदस्य जो रोहिणी, वही केवल आज नंद महोत्सव में ये अंश ग्रहण की। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं रोहिणी च महाभागा, ये माता रोहिणी बड़ी भाग्यवती है। इसलिए सारे ब्रजवासी आज नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। कल हम लोग ने श्रवण किया था कृष्ण कैसे मथुरा में प्रकट हुए, आज कृष्ण गोकुल में, आज कृष्ण गोकुल में जन्म हुए हैं। प्रभु जी एक सुंदर भजन सुनाएंगे, फिर इसको बाद में हमारे प्रभु लोग आप लोग को आशीर्वाद देंगे। भगवान की कथा सुनाएंगे। गुरु कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राम। हरे कृष्ण यहाँ पर टॉपिक है ना, एक तो पैसे दे दे कि आज पर भी सी ब्रज नारी बनी, गुजिया से गीत और गंजा से गाला, तेरा से प्यारे मने बन गए रस पीर सिरोही रूप रसला, नंद महीप बने नमकीन गोकुल गोप सब गरम मसाला, अरे जायो जसोदा जसोदा जलेबी सिरानी ने रबड़ी सिरात में लड़ुआ सुनाना, अरे जायो जसोदा जलेबी सिरानी ने रबड़ी सिरात में लड़ुआ सुनाना, नंद के लाला की जय। हरि जायो हरि जायो जसोदा जी ने लाला मोहल्ला में हल्ला तो बन गए, हरि जसोदा जी ने लाला, हरि जायो जसोदा जी ने लाला मोहल्ला में हल्ला तो बन गए। Let's go, 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 let's go
वहां होटल का हल्ला हो गया। चौदह सिंह के सूरज मंडल में सब गोपियां आई अंदर के द्वार और नाचने लगी। चौदह सिंह घर के पैदा बढ़िया पहन करके आए और कहा नाचने लगे। लेकिन यहाँ कोई गोपियां नहीं है, चलो कोई बात नहीं ताली बजाओ। यहाँ है क्या कोई गोपी तो उनके खड़े होकर नाचे क्योंकि नंद की बधाई देना जरूरी है।
We'll be right back.
क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हाँ, सभी लोग शादी हो जाकर बोलेंगे इसलिए बोले जब तक देखो चैतन्य हरि से सब चैतन्य लीला पुष्टिकारी
जिनको महाप्रभु के शत्रु रूप में देखते हो वो शत्रु नहीं, एक तरह से प्रभु की लीलाओं को मदद करते हैं। जब पुतना आ गई, बड़ी सुंदर सज धज करके पुतना आई थी, बोले क्यों? बोले भैया हमें कोई रोके ही नहीं। उसने सीधा नंद भवन में चली गई और उसने कृष्ण को पकड़ करके उन्हें गोद में उठा लिया। बोले फिर जशोदा और रोहिणी कुछ बोले नहीं, क्यों? बोले वो इतने सुंदर बन करके आई थी। जशोदा रोहिणी सोच रही थी अगर कृष्ण का माँ बनने का लायक यही है, कृष्ण जितने सुंदर, समझो ये पुतना कितने सुंदर ही बन करके आई थी। जब उन्होंने कृष्ण को गोद में उठाई, इतने में कृष्ण आंख बंद कर देते हैं। क्यों आंख बंद करते हैं? तब श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बड़ी अच्छी अच्छी रहस्य बताते हैं। पहला कारण बताए, बोले भैया ये है कौन? बोले क्यों? बोले जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतर राम कहीं आवत नाही। लेकिन इसने इसे कौन सा पुण्य कर्म की तो ये मेरे को गोद में उठा रही है, इसलिए कृष्ण आंख बंद करके उसकी पूर्व जन्म को देख रहे थे। देखा सचमुच से ये कोई साधारण नहीं, ये पूर्व जन्म में बलि महाराज की बेटी की रत्नमाला थी। कृष्ण को देख करके उसकी मन में इच्छा हुई थी अगर ये मेरे लाला बन करके आता ना, दिन भर में इसको गोद में लेकर के लाल लड़ाती। इसलिए ये पहला कारण बताए। दूसरा कारण बताए, बोले कृष्ण को गर्भ में अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड विद्यमान है, लेकिन पुतना तो स्तन में काल रूप जहर लेकर के आई थी, कृष्ण को पिलाना चाह रही थी। विश्व ब्रह्मांड घबरा गई, बोले हे प्रभु आप इसकी स्तन को पान मत किया करो। बोले क्यों? बोले केवल इसमें जहर ही जहर है, आपका उदर में तो विश्व ब्रह्मांड, अगर आप विष को पियोगे तो हम तो मर जाएंगे, इसलिए जहर मत पिया करो। मानो कृष्ण आंख बंद करके श्री भोले बाबा को याद कर रहे थे। बोले भोले जल्दी जल्दी आ जाओ। बोले क्यों? बोले क्यों किया? आपका काम है विष पीना, मेरा काम है दूध पीना, आप विष विष पी लो, मैं दूध दूध पी लेता हूँ। इसका दूसरा कारण बताए। तीसरा कारण बताए, बोले आई क्यों ये गोकुल में? बोले बच्चों को मारने के लिए। बोले जानते हो ये बच्चे कौन है? कोई मेरे सखा कोई मेरी सखियां है, और तुम मेरी सखा सखियों को मारने के लिए आए हो, इसलिए मैं तेरे मुंह देखना नहीं चाहता हूँ, इसलिए कृष्ण आंख बंद कर दे। चौथा कारण बताए, यद्यपि कृष्ण इसको मारेंगे लेकिन प्रभु बड़े दयालु भी, ठाकुर बड़े कृपालु भी है। भगवान सोच रहे हैं भैया जो कुछ भी हो ये तो माँ की रूप धारण करके आई ना, अभी मैं इसको मारूंगी क्यों, जगत में आया क्यों हूँ? बोले परित्राण आय साधु नाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे, मैं इसलिए आया हूँ दुष्ट को विनाश करने के लिए, अभी श्री गणेश करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं पुतना को मैं मारूंगी, अभी मारूंगा तो अभी तो छटपट आएगी ना, लेकिन कुछ भी हो तो माँ की रूप धारण करके आई, इसलिए भगवान उसको दुख नहीं सहन कर पाएंगे, इसलिए कृष्ण ने आंख बंद कर दी। और बच्चे का एक स्वभाव है, अगर सदस्य का कोई व्यक्ति हो वो तो आनंद में खेलते हैं, अगर कोई अनजान व्यक्ति हो डर जाते हैं, इसलिए कृष्ण आंख बंद कर दिए। उन्होंने कृष्ण को मुंह में उन्होंने स्तन दिया, लेकिन स्तन में तो केवल जहरी जहर बीस ही बीस है। इतने में कृष्ण उसकी प्राण को शोषण की, जब प्राण को शोषण की वो छुड़ाने के लिए कोशिश कर रही थी लेकिन छुड़ा नहीं सकी। बोले क्यों? बोले देख सहज में किसको पकड़ता है ही नहीं, लेकिन एक बार जिसको पकड़ लू ना भैया मैं तो छोड़ना भी नहीं चाहता, मैं कभी छोड़ता नहीं जब तक, और तू स्वयं मेरे पास में आई मेरे को पुत्र बोल करके गोद में लिए, मैं कभी तेरे को छोड़ सकता हूँ? जब तक तेरे को मैं अपना धाम में नहीं पहुंचा दूंगा तब तक मैं तेरे को छोड़ना नहीं। उन्हें सारी ताकत लगा ली लेकिन कृष्ण को छुड़ा नहीं सकी। अभी पुतना सोच रही है किसी तरह से मैं मथुरा चला जाऊं, भैया कंस को जो व्यवस्था करेगा। इतने में उसने आकाश में उड़ चली, भयंकर रूप लेकर के उड़ चली। जब उड़ चली श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कंस के एक सुंदर बगीचा थे, सबसे बढ़िया सुंदर फल फूल से भरा पड़ा हुआ, लेकिन कंस का निर्देश था इसको कोई कृष्ण भक्त ब्रजवासियों को नहीं मिलनी चाहिए, ये कृष्ण को नहीं मिलनी चाहिए, मेरे को और मेरे अनुयायियों को मिलनी चाहिए। कृष्ण ने बोले तारी के दुनिया बनाया मैं नहीं, दुनिया मेरा है, क्यों बनाया मैंने दुनिया को? बोले ईसा वास्तव निगम सर्वम
जग किंचा जगत है जगत, दुनिया में जो कुछ मेरा दुनिया है, मैंने अपना भक्तों के लिए बनाया, और ये फल किसी भक्तों को और मेरे को ब्रजवासियों को नहीं मिलेगा, दुष्टों को मिलेगा। कहते ब्रजवासियों का कोई चीज नष्ट नहीं हुई, क्यों? वो सब के सब ठाकुर को सेवा में लगाते हैं। जोग माया ने पुतना को उड़ा करके वहीं पर ले गई, और वो जो सुंदर बगीचा थी ना वहीं पर धड़ाम करके गिरा रही, और सारे पेड़ पौधे को उन्होंने तसनस कर दिया। शिक्षा दिया, जो वस्तु मेरे भक्त और मेरी सेवा में नहीं लगेगा मैं सब सत्यानाश कर दूंगा। इतने में सारे ब्रजवासी भागते भागते आए, देखा पुतना मरी पड़ी हुई। इतने में देखा भैया क्या किया जाए, बोले कृष्ण कहाँ पर, बोले इनके छाती के ऊपर में किलकारी मारते हुए खेल रहे। कृष्ण को वहां से भी उतारे, उतार करके मैया ने जब उनके स्तन पान कराई, कृष्ण ने जब थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी हंसी, बोले लाला ठीक ठाक है। बोले भैया इतना बड़ा शरीर को क्या करो, जोग माया पहले से व्यवस्था करके रखी, वो जब बाद में गिरी ना, बोले त्रिकव्युति, बोले वो चार, एक कवि तो कहते चार मील है, कहते 12 मील, इतने लंबी चोर थी, और लकड़ी से पेड़ पौधा टूट गया था उसमें आग लगा दी, जब आग लगाए उसका शरीर से कर्पूर अपूर चंदन की खुशबू निकल रही थी, लेकिन किसी व्यक्ति को जब जलाओ शरीर से बदबू निकलती है, चूंकि भगवान उनके स्तन को पान की है, शरीर से बड़ी सुंदर खुशबू निकल रही थी, ऐसे लग रहा था मानो कहीं देव लोग से चंदन कर्पूर अगुरु की कहीं खुशबू आ रहा है। इतने में सारी ब्रजवासी वहां पर एकत्र, सारे ब्रजवासी हो गए, हो करके उन्होंने कृष्ण का दर्शन किया। देखो यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कृष्ण 6 दिन में पुतना क्यों मारे, इसका क्या रहस्य है, उनने 6 दिन में मारे ना कृष्ण का, जब 6 दिन थी वो कारण बताते हैं। पहले नियम होता था घर में जब कोई बच्चा जन्म होना कम से कम 21 दिन तो घर से उसको बाहर कोई निकाल नहीं निकालते थे, कहीं कहीं के तो 1 महीना तक घर से बाहर नहीं निकालते हैं, अंदर में कंडा जला करके बच्चे को सिकाई करते हैं, पहले ये नियम था, अभी तक रहते थे। अभी कृष्ण जन्म हुआ, पूरा ब्रज में हला हो गया, बोले मैया जसोदा ने इतने सुंदर लाला जन्म दिया, इतने सुंदर लाला जन्म दिए है, कभी हमें देखा ही नहीं इतने सुंदर लाला। अभी सारे ब्रजवासियों को मन में इच्छा कृष्ण दर्शन करना, लेकिन वो घर में केवल माताएं ही प्रवेश कर सकती थी, घर को अंदर में कोई पुरुष लोग प्रवेश नहीं कर सकते, सभी तो दर्शन नहीं कर सकते। अभी कृष्ण ने देखा भैया मेरे ब्रजवासी मन में इच्छा है मेरे को दर्शन करने का, लेकिन अभी तो मैं 6 दिन का हूं, तो घर से बाहर नहीं निकल सकता हूँ, अभी क्या किया जाए, मैं घर से बाहर निकल जाऊं। इतने में उन्होंने पुतना को बुलाए, अब पुतना अंदर में गई, स्त्री थी ना, और कृष्ण को पकड़े और सीधा बाहर निकाल दिया। जब बाहर निकाल दिया फिर तो सारे ब्रजवासियों का कृष्ण, सभी को कृष्ण का दर्शन हो गया, सब लोग प्रसन्न हो गए। यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बोले भैया भक्ति करना तो किसको भक्ति करनी चाहिए, बोले केवल कृष्ण भक्ति करो और किसको भक्ति मत करो। बोले क्यों, कारण क्या, उसका कारण कहते हैं बोले पुतना लोक बालाजनी राक्षसी रुधिरासना जिज्ञासयापि हरे स्तनम तत्व अपसद्गति। देखो वो क्या कहते हैं, बल्कि उसकी अंदर में सारी अपगुण है। पहला नंबर पुतना, पुतना मतलब पूत मतलब पवित्र, ना मतलब नहीं जो अपवित्र है। दूसरे नंबर में वो करती थी क्या, बोले बच्चों को खून पीती थी। बोले तीसरे नंबर में वो राक्षस थी। चौथे नंबर में वो भगवान के लिए जहर लेकर के आई थी, उपहार 20 लेकर के आई थी। तब श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं भैया जो पुतना थी, जो अपवित्र थी, अगर कृष्ण उसको गोलोक वृंदावन में स्थान दे सकते हैं, अगर कोई ठाकुर जी को सामने कोई पवित्र बन करके आए, अच्छे कपड़े थोड़ा पहन करके आए, पर ठाकुर जी उसको क्या नहीं देंगे, ठाकुर जी के लिए लाई थी क्या, बोले 20। अगर जो व्यक्ति भगवान के लिए 20 लेकर के आए और ठाकुर जी उसको दे सकते हैं कहां पर, गोलोक वृंदावन में धात्री जी का पद दे सकते हैं, अगर ठाकुर जी को पास में खाली हाथ में कोई आए, नहीं तो कोई एक फल लेकर के आए, नहीं तो ठाकुर जी के लिए थोड़ी सी मिश्री मखन लेकर के आए, पर ठाकुर जी उसको क्या नहीं देंगे, ठाकुर जी उसको क्या नहीं देंगे।
और तीसरा नंबर में कहते वो थी कौन, बोले राक्षसी। अगर ठाकुर राक्षस जी को अगर गोलोक वृंदावन में स्थान दे सकते हैं, अगर कोई उनकी भक्त हो तो, जिसके हृदय में ठाकुर का प्रति थोड़ी सी प्रेम हो, पर ठाकुर जी उसको क्या नहीं दे सकते हैं। इसलिए कहते किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मनि। अगर कोई उनको थोड़ी सी भक्ति पूर्वक अगर उनको भजन करे, फिर ठाकुर जी उसको क्या नहीं देंगे। तब यहाँ पर एक सुंदर की कथा सुनाते हैं। हाँ देखो, संत लोग एक कथा सुनाते हैं। कथा ये सुनाते हैं, अंधेरी नगरी चौपट राजा ताकासर भाजी और ताकासर खाजी। सुने कि नहीं? तो एक समय एक गुरु एक जिला एक राज्य में पहुंचे, बल वहां पर जो कुछ खरीदी करो सबका दाम एक रुपया, साग भाजी हो, राबड़ी हो, रसमलाई हो, घी हो, जो कुछ खरीदी करो एक किलो एक रुपया। अभी गुरु चेला जो पहुंचे, चेला तो खुश हो गया, बोले भा जो कुछ खरीदी करो एक रुपया, पर यहाँ पर राबड़ी रसगुल्ला खुद खूब क्यों नहीं खाए। लेकिन गुरु जी देख करके बोले, भैया लगता है राजा थोड़ा पागल होगा, क्योंकि देश जिस देश के हर चीज एक किलो रुपया हो, और राज्य कभी टिक सकती है, लगता है थोड़ी जरूर पागल है। उसने कहा, भैया चले चलो जल्दी जल्दी यहाँ से भाग चलते हैं, नहीं तो लगता है कुछ विपत्ति आएगा। बोले गुरुदेव, इतने बढ़िया जगह पर आए हैं, जो कुछ लो एक किलो रुपया किलो, पर घी पी पी करके राबड़ी खा खा करके थोड़ी शरीर को तंदुरुस्त क्यों नहीं बनाते। बोले बेटा, लगता है राजा कुछ पागल है। बोले गुरु जी, मैं कुछ दिन रुकना चाहता हूँ, खा पी करके शरीर को थोड़ा सुस्त कर दूं। बोले बेटा, मैं जा रहा हूँ। बोले देख बेटा, अगर कहीं बीच में विपत्ति आ जाए ना, जरूर मेरे को याद कर लेना। बोले गुरु जी, आप जाओ, कोई चिंता मत कर। अभी रोज रोज राबड़ी रसमलाई रसगुल्ला खा खा कर शरीर को एकदम मोटे सोटे बना कर रखा। एक दिन क्या हुआ, एक बूढ़ी माता जी घर में चोरी हुई। चोरी हुई तो जब ये चोर चोरी करके भाग रहा था, वो बूढ़ी माता जी पीछे से देख लिया था। वो थोड़ी सी मोटे सोटे लंबे चौड़े थे। सवेरे आकर के राजा को शिकायत किया, बोले महाराज मेरी घर में चोरी हो गई। बोले तुमने देखे हो? बोले हाँ पीछे से देखा, वो थोड़ा लंबे चौड़े मोटे सोटे थे। राजा तो थोड़ा पागल ही था, तो उन्होंने सिपाही को आदेश दिया, देखो मेरे राज्य में सबसे जो मोटे लंबे चौड़े होगा ना, उसको पकड़ करके ले आ। अभी ढूंढे ढूंढते ढूंढते मिला यही, रोज राबड़ी रसमलाई खाता था, लंबे चौड़े मोटे। बोले भैया, हमारे राज्य में तो यही सबसे मोटे, उसको पकड़ करके ले गए। पकड़ करके ले गए, राजा ने बोला तुमने चोरी किया। बोले क्यों कैसे? बोले माता जी ने देखा पीछे से, वो लंबा चौड़ा मोटे थे, हमारे राज्य में तू ही मोटे लंबे चौड़े। बोले भैया पीछे से देखा मतलब मैं हूँ? बोले तू ही क्यों? माता जी ने कहा वो लंबा चौड़ा था। बोले इसको फांसी में झुला। आप देखना, मरने से पहले उसको पूछा जाता है अंतिम कोई इच्छा है कि नहीं। लेकिन गुरु जी ने कहा था, बेटा कोई विपत्ति आए तो मेरे को जरूर याद कर लेना। बोले थोड़ी सी गुरु जी से मिलना चाहता है। बोले कहाँ पर? बोले अमुक स्थान पर। गुरु जी को बुलाया, बोले बेटा क्या बात? बोले गुरु जी, आप जो बता रहे थे सही बता रहे, ये राजा तो पागल लगता है, किसी ने चोरी किया पता नहीं, पीछे से देखा तो लंबा चौड़ा, मैं तो घी रोज पी पी करके मालुआ खा खा करके लंबे चौड़े मोटे था, और मेरे को पकड़ कर ले आए, बोले यही चोरी किया। बोले गुरु जी बचाओ, अपराध हो गया मेरी आपकी चरण बचाओ। बोले देख बेटा, हम दोनों एक काम करेंगे, मैं बोलूंगा मेरे को फांसी पर झुलाओ, और तू बोलना मेरे को फांसी पर झुलाओ, फिर क्या होगा मैं कर लूंगा। दोनों तो लड़ पड़े। बोले मैं फांसी पर झुलूंगा, चिल्ला कहता है मैं फांसी पर झुलूंगा। राजा ने कहा, भैया ये दोनों मरने के लिए इतने उतावला क्यों हो रहे हैं, क्या बात है? राजा ने गुरु जी को बुलाया, बोले क्यों आप मरने के लिए आप क्यों लड़ रहे हो? बोले महाराज जी, आपको पता नहीं, मैं आज पंचांग देख करके आया, आज अमृत योग है, 100 साल के बाद में आज का दिन जो मरेगा ना सीधा वैकुंठ जाएगा, मैं अभी अभी पंचांग देख करके आ रहा हूँ 100 साल के बाद में। बोले 100 साल के बाद में एक दिन आया? बोले और क्या, आज जो मरेगा सीधा जाएगा वैकुंठ। बोले भैया, आज तो मेरी मैया तो बूढ़ी हो गई, कुछ दिन बाद में मरने वाला है, फिर अपना मैया को भी फांसी में नहीं झुलाते? ले दोनों जाओ, भागो यहाँ से, इसको फांसी में झूलने का जरूरत नहीं, मैं अपना मैया को फांसी में झूला दूंगा। गुरु जी ने कहा, बेटा चलो भागो यहाँ से, जल्दी। दोनों भाग गए, राजा ने अपना मैया को ही फांसी में झूला दिया। हाँ देखो, यहाँ पर श्री
सुखदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण से के प्रश्न करते हैं, बोले प्रभु लगता है तुम्हारी जो दरबार है ना, अंधरी नगरी चौपट राजा ताकासरे भाजी और ताकासरे राजा, बोले कैसे, बोले अगर आप पुतना को जो जहर लेकर के आपके लिए आई थी, जो राक्षसी जो अपवित्र थी, अगर आप उनको गोलोक वृंदावन में ढाई माह की पद दे सकते हो, हाँ उचित पद दे सकते हो, बोले अगर कोई भक्ति पूर्वक जो भक्ति करेगा आप उसको क्या दोगे, अगर उसको जो पद दोगे, अगर इस भक्त को जो पद दोगे, अगर दोनों बराबर हो गया तो मेरे टाका सर भाजी और टाका सर खाजा जो कुछ खरीदी कर एक रुपया आप उनको क्या दोगे। कृष्ण कहते नहीं, ऐसे नहीं, ये यथा माम प्रबदते ताम तथेव भजामि हम। पुतना को तो ढाई चित्त पद दिया, ढाई माह की पद नहीं, ढाई चित्त पद दिया, लेकिन भक्तों को सखा लोग जब मेरी भक्ति करते हैं, विश्व ब्रह्मांड मेरे झूठा खाते हैं, लेकिन जब सखा लोगों को कोई बढ़िया मीठा फल मिल गया ना, बोले कन्हैया फल बड़ा मीठो है, बोले तुम क्या अकेले खाओगे, कृष्ण जोर जबरदस्ती छीन करके और झूठे फल खाते हैं, विश्व ब्रह्मांड को कान पकड़ कर भगवान उठाते हैं बैठाते हैं, लेकिन जब कृष्ण मखन चोरी करे, कृष्ण मिट्टी खाए, माँ जसोदा क्या करती है, सीधा कान पकड़ती है, बोले अपवित्र झूठे तुमने आज मक्खन खाए, तुमने मिट्टी खाई, विश्व ब्रह्मांड को माया का दर वो बांध करके रखे, लेकिन कृष्ण जब मक्खन चोरी करते हैं, मैया उनको उखल में बांध देती है, विश्व ब्रह्मांड उनके चरण में गिरते हैं, लेकिन जब राधा रानी मान कर ले, कृष्ण स्वयं उनके चरण में गिरते हैं, कहते नहीं सबको मैं बराबर नहीं देता हूँ, जो जैसे भजन करते है ना, मैं भजन की अनुरूप उनको मैं फल प्रदान करता हूँ। इसलिए कृष्ण सबसे पहले उन्होंने पुतना को मारी, बोले क्यों, ये सबसे पहले पुतना को क्यों मारी, आप लोग बताओ तो राम सबसे पहले किसको मारे, बोलो कौन बोलेगा, तारका को मारे। देखो दोनों प्रभु करके एक ही लीला की, बोले ये पुतना का मतलब क्या, बोले पूत मतलब पवित्र, ना मतलब नहीं, जो पवित्र नहीं जो अपवित्र है। बोले तारका का मतलब क्या होता है, बोले तारा यति इति तारका, जीव को जो भगाता है, तारण करता है। बोले भैया जीव को कौन भगाता है, बोले काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, यही जीव को भगाता है। इसलिए तारका ये भी तीन अक्षर है, पुतना ये भी तीन अक्षर है, पुतना स्त्री, तारका भी स्त्री है। इसलिए दोनों प्रभु एक ही शिक्षा देते हैं, अगर भगवान को कोई हृदय में बैठना चाहते हो, सबसे पहले ये पुतना और ये तारका को सबसे पहले मारो, फिर तो हम भगवान को अपना हृदय में बैठा सकते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। अभी हमारे प्रभु लोग आप लोग को बड़ी मीठी मीठी कथा सुनाएंगे। देखो एक समय द्वारका में बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था, जो यज्ञ का नाम था विश्व शांति महायज्ञ। क्या था यज्ञ का नाम, बोला यज्ञ का नाम क्या था, विश्व शांति महायज्ञ, जिसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग आए हुए थे सबके, जहां पर कृष्ण स्वयं बलदेव प्रभु स्वयं श्री वसुदेव देवकी कृष्ण के सारे पटनाड़ी, बड़ी जोर तोर से वो यज्ञ हो रही थी। नियम है यज्ञ की जब तक पूर्णाहुति नहीं हो बीच में यज्ञ बंद नहीं करनी चाहिए, नियम है। लेकिन यज्ञ का ठीक बीच में श्री नारद जी आ गए। जब नारद जी आए, वसुदेव महाराज वहां पर खड़े हो गए, कृष्ण खड़े हो गए, बोला आज यज्ञ करने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यज्ञ का जो फल है आज श्री नारद जी रूप में आ गए हैं। जिस सिंहासन में कृष्ण स्वयं बैठते हैं, नारद जी को उसी सिंहासन पर बैठा दिया, भगवान उनके चरण में बैठे, वसुदेव महाराज चरण ध्वज चरणामृत लिया और संपूर्ण द्वारका में उन्होंने उसकी चरणामृत को शांति बारी रूप में छिड़काव कराए और उनके चरण में बैठ कर कहते हैं, बोले दुर्लभम मनुष्य जन्मम तेहि नाम क्षण भंगुर तथापि दुर्लभ मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। बोले एक में तो ये मानव शरीर दुर्लभ है, लेकिन दूसरे में दुर्लभ क्या है, बोले वैकुंठ प्रिय दर्शन।
कहते भगवत दर्शन से भी ज्यादा दुर्लभ है संतों का दर्शन है, क्योंकि ठाकुर को देखो ठाकुर जी करे ना, ठाकुर हमसे कोई बात करते हैं, ठाकुर को दर्शन करने के लिए जाते हो, पूजा करते हो, ठाकुर जी कोई बात हमसे कोई बोलेगा भी, भैया ये गलत रास्ता पर क्यों जा रहे हो, मेरी भजन करो, ये सही है गलत, कभी ठाकुर कोई बात करते हैं हमसे नहीं बोलते हैं, कौन बोलते हैं, साधु लोग बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भगवत दर्शन से भी ज्यादा महत्व है संत दर्शन। इसलिए ध्रुव जी भगवत प्राप्ति हो गई, जो बोले वर मांगो, उन्होंने भगवत दर्शन प्रार्थना नहीं किया, बोले हमें संतों का संगत हो, बोले क्यों, बोले उनकी मुखार बिंद से आपकी कथार भी मंदाकिनी की जो नदी रहती है, अगर हम उसमें गोता लगाते रहेंगे ये मन अपने आप तुम्हारी चरण में लग जाएगी। इसलिए बोले आप तो आपका कथा नहीं सुनाओगे ना, आज जो आप मिले हैं ये नारद जी की कृपा से आप तक आपकी प्राप्ति हुई है। इसलिए जीवन में अगर भक्तों का दर्शन हो जाए, समझो भगवत दर्शन से भी ज्यादा महत्व भक्त दर्शन है। इसलिए आज हमारे बहुत अच्छे भाग्य है कि जो दो हमारे भक्त लोग आए गुरु जी की, इन लोगों ने बहुत सेवा की है, आप लोग तो नहीं जानते हो, इसलिए इन्होंने गुरु जी की, हमारे जो बड़े गुरु जी से उन्होंने बड़ी गुरु जी की उन्होंने सेवा की। अगर कहीं संतों की कोई तबीयत खराब हो जाए, जा जा करके तन मन धन से ये दोनों हर समय सेवा करते रहते, ये हमारी गुरु भाई लगते हैं, इसलिए कृपा करके आज यहाँ आए हैं, आप लोगों को कुछ अच्छी अच्छी बात बताएंगे, हम किसी जीवन में कैसे शांति और सुख में कैसे जीवन बिता सकते हैं, और जीवन में कैसे हमें भगवत प्रेम जीवन में कैसे प्राप्ति हो, आज आप कथा सुनाएंगे, आप लोग इनकी उपदेश को अपना हृदय में धारण करना, ठीक है। आप कोई माइक है, हम ये माइक को ठीक कर दो तो माइक वाला है तो उसमें बोल कर देखो माइक की आवाज कैसे आ रही है, आप तो दोनों के तो बोले कि पहले कोई बोलो बाद में कोई बोलो कोई बात नहीं, हाँ बोलो, आप लोग ना थोड़ी सी घूम करके बैठ जाएंगे, अच्छा गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय श्रीरूप रघुनाथ गरिष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामीति नामिने वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय रूप सनातन रघुनाथ श्री जी प्रकाश रघुनाथ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। और एक बार सबके सब हाथ उठाकर बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट हूँ विष्णु पाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर समस्त रूपानु गुरु परंपरा के श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। श्रवण करने वाली श्रोत मंडली सबके चरणों में मेरा जथा जो दंडवत प्रणाम। महाराज जी ने बड़ी सारी बातें बतला दी, माइक पकड़ते हुए बड़ी लज्जा का अनुभव हो रहा है। वास्तव में महाराज जी हमारे ज्येष्ठ गुरु भ्राता नहीं, उससे भी बहुत कुछ अधिक हैं। हम जब बहुत छोटे थे स्कूल में पढ़ते थे
तो बीच बीच में छुट्टी होती थी, वृंदावन जाया करते थे और महाराज जी बहुत कुछ हम लोगों को सिखलाया करते थे और उनका ही सीखा हुआ कुछ गुरु महाराज जी ने जो कुछ सिखला दिया हमको उसको ही थोड़ा बहुत चरण चरण कर रहे हैं। इसमें इनका ही बड़प्पन है, इनके निकट में आकर एक बात बार बार स्मरण हो जाती है। जैसे हमारे गुरु महाराज जी थे वो बहुत उत्साह दिया करते थे, हम छोटे बालकों को बहुत उत्साह दिया करते थे हरी कथा बोलने के लिए, कुछ कहने के लिए, पढ़ने के लिए। महाराज जी के निकट में जब भी आते तो महाराज जी बहुत गुरु जी के समान बहुत उत्साह देते हैं। छोटा होने पर भी बड़ी उत्साहपूर्वक बातें कह देते हैं जिससे हमको साहस मिल जाता है कुछ कहने के लिए। इसलिए जो कुछ इन्होंने कहा है वो वास्तव में इनके ऊपर ही ठीक ठीक रूप में, प्रभु जी के ऊपर ठीक ठीक रूप में लागू होता है। तो जो कुछ आप लोग भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं तो एक बार हमारे गुरु महाराज जी जो श्रीमद् भागवत के विषय में बताया करते थे और जो प्रसंग चल रहा है उसमें अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मैं बस दो एक बात बतला दूं। आप लोग श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे हैं, हमारे गुरु महाराज जी बतलाते थे एक विशेष श्लोक को। श्रीमद् भागवत की जब भी वो कथा या चर्चा करते थे तो एक श्लोक को बड़ा प्रिय था उनको ये श्लोक, और इसको प्राय कहा भी करते थे कि भागवत को सुनने का फल क्या है। हम भागवत कथा सुन रहे हैं, इस भागवत कथा को सुनने का सर्वोत्तम फल क्या है। अभी आप लोग आज पांचवा दिन है, संभव है 7 दिनों में आपने बहुत सारे विषयों को सुना होगा, श्रवण किया होगा, किंतु स्वयं श्रीमद् भागवत में उत्तर दिया कि श्रीमद् भागवत को सुनने का सर्वोत्तम फल क्या है। हमारे गुरु महाराज जी बतलाते थे यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति रुत्पद्धते पुंसाम शोक मोह भयापहा। हमने भागवत कथा सुनी, यदि ठीक ठीक रूप में सुनी और ठीक ठीक रूप में उसको अपने जीवन में अपनाया श्रीमद् भागवत की शिक्षाओं को, तो भागवत को सुनने का सर्वोत्तम फल क्या होगा। यस्याम वै श्रूयमाणायाम, सुनने मात्र से क्या होगा, कृष्णे परम पुरुषे, परम पुरुष जो कृष्ण है उनके प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। कौन सी भक्ति, शोक मोह भयापहा, शोक मोह और भय का नाश करने वाली भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। श्रीमद् भागवत को श्रवण करने से शोक मोह भय का नाश करने वाली भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। अब प्रश्न करो ये शोक मोह और भय का नाश करने वाली भक्ति है कौन सी, और कौन से भक्त को, भक्ति तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो कौन से भक्तों को शोक मोह भय नहीं होता। अब यदि इस विषय की विस्तृत चर्चा करने जाओ तो बहुत कुछ कहने को, किंतु यदि संक्षेप में कहो, ध्यान से सुनना एक बात, हमारे गुरु जी इस विषय को बड़ा गंभीरता से वर्णन करते थे इस विषय का, कि भागवत हमने सुनी, भागवत की कथा सुनी और भागवत में बतलाया कि भागवत की कथा को सुनने का फल क्या है, परम पुरुष कृष्ण के प्रति भक्ति जो सारे शोक मोह भय का नाश कर देगी। कौन से शोक मोह भय का नाश करेगी, कहते जगत जीवों को तो जितने प्रकार का शोक मोह है भय है उसका तो नाश करेगी करेगी, किंतु भगवान के जो सर्वोत्तम भक्त हैं उनमें यदि क्रम अनुसार गणना करने जाओ, जैसे ये श्रीमद् भागवत है इसको श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, पुनः सुत गोस्वामी जी ने कहा, ऐसे ही एक बृहद भागवतामृतम है जिसको श्री सनातन गोस्वामी जी ने कहा, उस बृहद भागवतामृतम में अर्थात वो श्रीमद् भागवत का भी सार स्वरूप है। उसमें श्री सनातन गोस्वामी जी ने बड़ा गंभीर वर्णन किया है भगवान के भक्तों को तारतम्य बतलाया, तो उस तारतम्य में नारद ऋषि भगवान के एक एक भक्त के निकट में जा रहे हैं, जैसे पांडवों के निकट में गए, हनुमान जी के निकट में गए, प्रहलाद महाराज जी के निकट में गए और यादवों के निकट में गए, तो क्रम अनुसार सबने अपने से जो श्रेष्ठ भक्त है उनकी महिमा बतलाई। तो इस प्रकार क्रम अनुसार नारद जी ब्रज तक पहुंचे, तो वहां पर सनातन गोस्वामी पाद ने विचार बतलाया कि केवल ब्रजवासी जो हैं, जो भगवान के ब्रज के भक्त हैं, जिन ब्रजवासियों की अभी आप कथा सुन रहे हैं, केवल उन ब्रजवासियों को कभी शोक मोह भय नहीं होता। उसके अतिरिक्त यदि प्रश्न करो तो जो साक्षात नारायण की अर्धांगिनी है लक्ष्मी जी, उनको भी कभी क्या होता है, उनको भी शोक हो जाता है। कैसा शोक हो जाता है कि हम कृष्ण ने रास किया ब्रज गोपियों के साथ में और लक्ष्मी जी उस रास को देखकर चंचला हो गई कि हमको भी रास में प्रवेश करना है, तो लक्ष्मी जी को भी क्या हो गया, शोक मोह हो गया, हमको भी रास में प्रवेश करना है, किंतु लक्ष्मी जी को रास में प्रवेश नहीं मिला। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कहते हैं कि कृष्ण भक्त शांत है, कौन से कृष्ण भक्त शांत है, एकमात्र ब्रजवासी शांत है, इसके अतिरिक्त तो नारायण के भक्त भी अशांत है,
लक्ष्मी जी अशांत हो गई कृष्ण का रास देखकर, हमको भी रास में प्रवेश करना है। और आज तक भी ब्रज में एक स्थान है बेलवन, आज तक भी लक्ष्मी जी बेलवन में प्रतिदिन एक बेल का फल खाते और तपस्या कर रही है, इसलिए कि हमको रास में प्रवेश मिल जाए, किंतु उनको नहीं मिला। इसलिए एकमात्र जो ब्रजवासी है, कृष्ण के ब्रज के भक्त है, वही संपूर्ण रूप में शांत है, उनको कभी शोक मोह भय नहीं होता। इसलिए हम श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हैं, तो भागवत को सुनने का सर्वोत्तम फल क्या है, अथवा हम श्रीमद् भागवत के चरणों में, भागवत के वक्ता के चरणों में हम क्या प्रार्थना करेंगे, इस भागवत को सुनने का जो सर्वोत्तम फल है वो हमको मिल जाए। वो सर्वोत्तम फल अर्थात वो ब्रजवासियों की जो भक्ति है, वो ब्रजवासियों की भक्ति हमको मिल जाए। और उन ब्रजवासियों में भी श्रेष्ठ कौन है, ब्रजवासियों में श्रेष्ठ है ब्रज गोपियां, उन ब्रज गोपियों में श्रेष्ठ है श्रीमती राधा रानी। आज राधा जी का जन्म है, अभी महाराज जी राधा जी के विषय में कथा बतलाएंगे किस प्रकार राधा जी का जन्म हुआ। ये श्रीमद् भागवत जो है, इस श्रीमद् भागवत में लगभग 18,000 श्लोक हैं। ये श्रीमद् भागवत इसमें लगभग 18,000 श्लोक हैं। और ये श्रीमद् भागवत क्या है, सर्व वेद इतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम, सारे वेद वेदांत उपनिषद का सार ये श्रीमद् भागवत है। समझ आई बात, श्रीमद् भागवत क्या है, सर्व वेद इतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम, सारे वेद वेदांत उपनिषद इतिहास का सार स्वरूप जो एसेंस है वो ये श्रीमद् भागवत है। और उस श्रीमद् भागवत को भी हमारे श्रीमद् प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर कहते थे, जिन्होंने इस गौड़ीय मठ की स्थापना की, हम सभी गौड़ीय मठ के आश्रित है, वो कहते थे यदि संपूर्ण श्रीमद् भागवत को एक श्लोक में कहना हो तो क्या कहेंगे, वो श्लोक कौन सा है। संपूर्ण श्रीमद् भागवत को यदि एक श्लोक में कहना हो तो वो एक श्लोक क्या है, वो एक श्लोक श्री सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी बतलाते थे, अनयाराधितो नूनम भगवान हरि ईश्वरा यन्नो विहाय गोविंदा प्रीतो यामनिद्रा। अर्थात संपूर्ण 18,000 श्लोकों को यदि मंथित करके एक श्लोक बना दो, श्रीमद् भागवत के सार का भी सार स्वरूप बना दो, तो वो श्लोक क्या है, वो श्रीमद् भागवत का सार क्या है, वो है अनयाराधितो नूनम। इस श्लोक में क्या बतलाया, कृष्ण ने रास किया, शारदीय रास, शरद पूर्णिमा की रात्रि को कृष्ण ने रास किया, और उस रास में कोटि कोटि गोपियों के साथ कृष्ण ने रास किया। ये रास लीला क्या है, ये सारी लीलाओं की मुकुटमणि है, सर्वोत्तम लीला है कृष्ण की रास लीला। रास का अर्थ क्या है, रस का आदान प्रदान। तो कृष्ण ने ब्रज गोपियों के साथ में रास किया, कोटि कोटि गोपियां, तो वहां राधा जी को क्या हुआ, मान हो गया कि हम हमारे समान क्या सारी गोपियां हैं, कृष्ण जो है वो सारी गोपियों के साथ में नृत्य कीर्तन कर रहे हैं, क्या हम सारी गोपियों के समान है। तो राधा जी को जब मान हुआ तो कृष्ण राधा जी को साथ में लेकर रास छोड़कर चले गए। कोटि कोटि गोपियां हैं, आप विचार करना, कोटि कोटि गोपियां हैं, किंतु राधा जी को मान हुआ, केवल राधा जी के कारण रास भंग हो गया। हमारे संप्रदाय के एक बड़े श्रेष्ठ आचार्य हुए भक्ति विनोद ठाकुर जी, वो लिखते हैं कि शत कोटि गोपी माधव मन राखी ते नारी लो करी जतन, कोटि कोटि गोपियां 100 करोड़ गोपियां कृष्ण को बांधकर नहीं रख सकती, कृष्ण एकमात्र राधा जी को लेकर रास छोड़कर चले गए। और उस रास में भी जब कृष्ण राधा जी को लेकर चले गए तो बाकी जो गोपियां थी वो राधा जी और कृष्ण को ढूंढती ढूंढती चली, तो उन्होंने मार्ग में कृष्ण के साथ में राधा जी के चरण देखे, तो जो राधा जी के पक्षपाती गोपियां ललिता विशाखा उन्होंने पहचान लिया कि कृष्ण किसको साथ में लेकर गए, क्योंकि वो तो राधा जी के चरणों की सेवा करती हैं, तो वो जान गई कि तो राधा जी के चरण हैं। तब सारी गोपियों ने, जो कृष्ण की सर्वोत्तम भक्त हैं गोपियां, उन सारी गोपियों ने भी, हम में से सर्वोत्तम कौन है, श्रीमती राधा रानी, तो सारी गोपियों ने एक श्लोक कहा, यही वाला श्लोक, अनयाराधितो नूनम भगवान हरिनिश्वर। अरे इस गोपी ने तो अवश्य ही हम सबसे अधिक कृष्ण की उपासना आराधना की है, जो कृष्ण हम 100 करोड़ गोपियों का परित्याग करके उस एक गोपी को लेकर के चले गए। तो इसलिए संपूर्ण श्रीमद् भागवत का यदि सार कहो तो वो सार क्या है, श्रीमती राधा रानी के चरणों की भक्ति। इसलिए श्रीमद् भागवत को क्या बताया गया, ये आश्रय जातीय ग्रंथ है। आश्रय जातीय का अर्थ समझते हैं, प्रेम के दो विषय है, भगवत प्रेम जो भगवान का प्रेम है उसके दो विषय है, एक है कृष्ण और एक है राधा जी, अर्थात एक विषय है एक आश्रय है, एक विषय है एक आश्रय। तो राधा जी कृष्ण प्रेम का सर्वोच्च आश्रय है, और राधा जी के चरणों में भक्ति हो जाए ये श्रीमद् भागवत को सुनने का सर्वोत्तम फल है। ब्रज गोपियां, ब्रजवासी, ब्रजवासियों में भी ब्रज गोपियां, और ब्रज गोपियों में भी राधा जी के चरणों की भक्ति मिल जाना, ये क्या है, ये श्रीमद् भागवत का सार का भी सार स्वरूप है।
इसलिए कहने के लिए सुनने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि बहुत विस्तृत प्रसंग अभी बाकी है। हम अपने गुरु महाराज जी के चरणों में, श्रीमद् भागवत के चरणों में, भागवत के वक्ता श्रील महाराज जी के चरणों में हम यही प्रार्थना करेंगे, और आप लोग जो प्रतिदिन भागवत कथा सुन रहे हैं यही प्रार्थना करेंगे कि संपूर्ण भागवत को सुनने पर, संपूर्ण भागवत को श्रवण करके हमको जो वस्तु मिले, उस वस्तु के लिए लोभ हमारे हृदय में जो लोभ जागृत हो, वो ब्रजवासियों की जो भक्ति है, और उसमें भी जो ब्रज गोपियों की भक्ति है, और उसमें भी जो राधा जी की कृष्ण के प्रति जो भक्ति है, उसका यदि एक अंश भी हमारे भीतर में आ जाए तो हमारा श्रीमद् भागवत को सुनना सफल हो जाएगा। गौर प्रेमानंदे हरि कृष्ण राधा रानी की, ब्रज वृषभ राज नंदिनी की, जय जय श्री राधा। हमारे जो अभी जो प्रभु की कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं, ये IIT पढ़े और बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ रहे थे, लेकिन जब इनके जीवन में सत्संग मिली बहुत अच्छे घर के, तो देखने के लिए इनको लगता है जैसे बाबा लोग साधारण लोग, बहुत लिखे पड़े ये लोग सबके साथ, लेकिन इन्होंने सब कुछ सोच विचार करके देखा दुनिया में क्या सार क्या है, भले जीवन में जो भी कर लो, लेकिन अंतिम समय जब आएगा ना, चार व्यक्ति जब कर्तव्य ले जाएंगे, यही बोलेंगे राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, या सबको बात झूठा है, यही बोलते बोलते ले जाएंगे। इसलिए इन लोगों ने सारे लिखे पढ़े सब कुछ को अच्छे तरह से विचार करके फिर तो ये संत बने, ऐसे मत समझो हाँ ये बैठे नहीं, बहुत अच्छे लिखे पड़े हैं, हाँ बहुत अच्छे लिखे पड़े। इसलिए उन्होंने सब कुछ छोड़ कर गुरु जी की शरण में आए, संपूर्ण गुरु वैष्णव सेवा करते हुए इन लोगों ने अपना जीवन को बिताया, और वो जो बोलेंगे अपना अनुभव की बात बताएंगे आप लोग, अभी आप लोगों को कुछ सिखा देंगे जिसमें अपना जीवन को हम धन्य बना सकते। ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अभी हम लोग यहाँ पर श्रीमद्भागवत की कथा को श्रवण कर रहे हैं, और श्रीमद्भागवत की कथा को श्रवण करना वास्तविक रूप में परम सौभाग्य की ही बात है। सबके भाग्य में भगवान की कथा, भक्तों का चरित्र, इसको श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। जगत में लोगों के पास में हजारों प्रकार के विषय हैं, जिसमें वो अपने समय को व्यतीत करते हैं, किंतु भगवान के विषय में कुछ श्रवण करूंगा, भक्तों के विषय में कुछ श्रवण करूंगा, ऐसे वाली इच्छा भी वास्तविक रूप में सबके हृदय में नहीं आती। जिनका परम सौभाग्य उदित होता है, हम लोगों को भले ही पता नहीं चलती ये बात, जैसे मान लीजिए किसी एक बालक का बहुत ही सभ्य परिवार में, धनी परिवार में जन्म हो गया, और जन्म के साथ में उसको उसका कुछ भी ज्ञान नहीं होता कि मेरा जन्म कहां पर हुआ है,
किंतु नहीं ज्ञान होने पर भी जिस प्रकार से उसका अपना एक बहुत बड़ा भाग्य उदित होता है, उसी प्रकार से हमें ज्ञान नहीं होने पर भी, समझ नहीं आने पर भी भागवत इत्यादि की कथा जो है ये कोई साधारण कथा नहीं है। इसका जो फल है, हो सकता है कि हमें बहुत समय बाद में दिखलाई पड़े। जैसे उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए किसी के घर में नल जो है, कोई एक नल खराब है और उसमें एक एक बूंद पानी की जो है वो फर्श पर टपकती रहती है। टपकते 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 मान लीजिए कि एक साल के बाद में, डेढ़ साल के बाद में वहां पर क्या दिखाई देता है, छोटा सा गड्ढा पड़ गया है। अभी वो जो गड्ढा पड़ा वो जिस दिन मेरे को दिखाई देना शुरू हुआ, क्या उसी दिन जो अंतिम बूंद गिरी थी उसी से ही गड्ढा बना, या फिर पहले जो पहली बूंद थी उसी से ही गड्ढा बनना प्रारंभ हुआ? कब से प्रारंभ हुआ गड्ढा बनना? पहली बूंद के साथ ही साथ। किंतु दिखलाई कब पड़ता है? बहुत समय के बाद में। इसी प्रकार से हम लोगों को भक्तों का संग, उनके मुख से हरि कथा इत्यादि श्रवण करना, उनके माध्यम से जिस किसी प्रकार से किसी सेवा इत्यादि में लग जाना, इसका क्या फल होता है ये पहले पता चलता नहीं, ये दिखलाई देता नहीं। किंतु जिस समय दिखलाई पड़ता है उस समय पता चलता है कि इन्होंने हमारा कितना बड़ा उपकार किया है। जैसे एक छोटा बच्चा नहीं समझता कि मेरे विद्यालय जाने में मेरा क्या लाभ है, पढ़ने में मुझे क्या मिलेगा, पढ़ने से मुझे क्या मिलेगा, मुझे खेलना अच्छा लगता है, मुझे सोना अच्छा लगता है, किंतु उसको पढ़ना अच्छा लगता है नहीं। खाने की चीजों में जो अच्छी चीजें उसको अच्छी लगती नहीं, दूध अच्छा लगेगा नहीं, कोई पौष्टिक वस्तु अच्छी लगती नहीं, किंतु माता पिता क्या करते हैं, जोर जबरदस्ती करके जिस किसी प्रकार से उसको बहका करके फुसला करके उसको वो खिलाते हैं वही वस्तु जो उसके लिए अच्छी है। इसी प्रकार से हमारे गुरुजन, हमारे वैष्णवजन वो क्या करते हैं, हमारे को जिस किसी प्रकार से भी क्यों ना हो ऐसी वाली वस्तुओं का श्रवण कराते हैं, कीर्तन करवाते हैं, ऐसी वस्तुओं में लगाते हैं जिससे कि हमारा क्या हो, परम मंगल उदित हो, परम मंगल उदित हो। भागवत जो है ये कोई साधारण वस्तु तो नहीं। भागवतम, भागवत शब्द का अर्थ क्या है, भागवत किसको कहते हैं? भगवान और भगवान के भक्त, इन दोनों को ही क्या कहते हैं, भागवत। अर्थात ऐसा एक ग्रंथ जिसमें कि भगवान और भगवान के भक्तों का चरित्र इस प्रकार से वर्णन किया गया है कि दोनों में से किसी एक को हटा देने से कोई उस कथा का अर्थ ही नहीं रह जाता, कोई कथा का अर्थ रह नहीं जाता। इसलिए भागवत है ऐसे वाला एक ग्रंथ जिसमें कि भक्तों का चरित्र या फिर भगवान का चरित्र वर्णन करते करते क्या हो जाता है, एक का चरित्र वर्णन करने से दूसरे का अपनी आप से उसके भीतर में वर्णन आ जाता है। ये कोई नया ग्रंथ नहीं है, ये कोई नई वस्तु नहीं है, बहुत प्राचीन वस्तु, नित्य काल से ये चलता आ रहा है, नित्य काल से। समय समय पर इसके नामों में भी परिवर्तन हुआ। सबसे पहले इसको बोलते थे पारमहंसी संहिता, अर्थात परमहंस लोग जिस
जीवन शैली को अपनाते हैं, जिन आदर्शों को देख करके अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। परम हंस लोग, हंस किसको कहते हैं? जो दूध का दूध और पानी का पानी करना जानता है। परम हंस उसमें भी सबसे श्रेष्ठ, और वो लोग जिस वस्तु को पालन करते थे, जिसको आदर्श मानते थे, जिस चरित्र को, उसको क्या कहते थे? परम हंसी संहिता। परम हंसों ने इस वस्तु का पालन किया है तो क्या हम इसका पालन नहीं करेंगे? तो वो उसी मार्ग का पालन करते थे। संहिता किसको कहते हैं? ऐसा कोई ग्रंथ जिसमें बहुत सारे स्थानों से अलग अलग प्रसंग संग्रह किए जाते हैं। इसलिए भागवत में कहीं पर आपको अम्बरीश महाराज जी का चरित्र, कहीं पर प्रहलाद महाराज का चरित्र, कहीं ध्रुव महाराज जी का चरित्र, कहीं परीक्षित महाराज जी का, कहीं नारद जी का, भिन्न भिन्न चरित्र वहां पर एक साथ में क्या हुए हैं? संग्रहित हुए हैं। इसलिए उसको बोलते हैं संहिता, पारमहंसी संहिता। शुभदेव गोस्वामी ने जिस समय इसको श्रवण किया, किससे श्रवण किया था? वेद व्यास जी से। सबसे पहले ये भागवत केवल 4 श्लोकों के रूप में थी, उसको कहते थे चतुश्लोकी भागवत। भगवान ने अपने मुख से ही उन श्लोकों को बोला था ब्रह्मा जी के समक्ष। ब्रह्मा जी ने जब उन 4 श्लोकों का विस्तार में वर्णन किया तो वो थोड़ा बड़ा हो गया। किसके समक्ष श्रवण कराया? किसको श्रवण कराया? नारद जी को। नारद जी ने फिर किसको श्रवण कराया? वेद व्यास जी को। वेद व्यास जी ने श्रवण कराया शुकदेव गोस्वामी को। शुकदेव गोस्वामी ने श्रवण कराया परीक्षित महाराज को। और फिर परीक्षित महाराज जी की सभा में, जहां पर शुकदेव गोस्वामी ने कथा सुनाई थी, वहीं परीक्षित महाराज जी की सभा में एक व्यक्ति बैठे थे जिनका नाम था सूत गोस्वामी। वो उग्र श्रवा थे, जो कुछ भी सुनते थे साथ ही साथ में उनको सब कुछ स्मरण हो जाता था सब समय के लिए। उन्होंने उस कथा को सुना था और आगे फिर उन्होंने शौनक आदि ऋषियों को सुनाया था। जो ये सब हुआ एक के पश्चात एक, किसी एक भक्त ने दूसरे को सुनाया, तब तक ये सारा जो प्रसंग है केवल मौखिक रूप में चल रहा था। मौखिक रूप में कृष्ण ने ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्मा ने नारद को श्रवण कराया, थोड़ा उसको विस्तार किया, अच्छे से समझाया। ऐसे करते करते शौनक आदि ऋषियों तक जब ये प्रसंग हो गया, तब क्या हुआ? वेद व्यास जी ने तब इसको लिख करके रखा, तब इसकी रचना हुई। उससे पहले ये लिपिबद्ध नहीं हुआ था, इसलिए वहां पर शौनक इत्यादि का नाम भी आता है और शुकदेव गोस्वामी का भी नाम आता है, परीक्षित महाराज का नाम आता है, अनेक नाम एक साथ में आते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्थानों पर होने के पश्चात ही वेद व्यास जी ने इसको लिपिबद्ध किया था। लिपिबद्ध करने का कारण क्या? कि भविष्य में जो भक्त लोग इस वस्तु को ठीक ठीक रूप में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनके लिए उन्होंने क्या कर दिया? एक ही स्थान पर स्थाई रूप में उसका संग्रह कर दिया, ताकि उसको देख करके, पढ़ करके उसको समझ पाए। किंतु समय के फेर से, जैसे कृष्ण ने तो 4 श्लोक ही बोल दिए थे और उसमें सारा कुछ ही था, और ब्रह्मा जी को समझ भी सब कुछ आ गया था, फिर धीरे धीरे और आगे बढ़ता गया। अभी हम लोगों की कैसी स्थिति है कि उसको जितना भी विस्तार से हमें कोई सुना देता है, किंतु तब भी हमारे मन में उसका जो वास्तविक उद्देश्य है सुनाने का, वो नहीं बैठता। कितने कितने वर्ष सुनने पर भी नहीं बैठता, हमें और विस्तार चाहिए, हमें उसका और विस्तार चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग कैसे हैं? मंद सुमंद मतयो, हमारा जो मति है वो बहुत ही मंद है, बहुत ही मंद है।
हम लोग एक ही स्थान पर थोड़ी देर तक भी अपने मन को केंद्रित नहीं कर सकते, सुन नहीं पाते, थोड़ी देर तक समझ नहीं पाते। इसलिए क्या होता है, पुनः पुनः उसका विस्तार होता जाता है। इसीलिए हमारे वैष्णव जन वो हम लोगों को क्या कहते हैं, जाओ भागवत पढ़ो वैष्णव स्थाने, एकांत आश्रय करो चैतन्य चरण, वैष्णव से ही भागवत को सुनो। जो व्यक्ति वास्तविक रूप में वैष्णव बन गया है, वैष्णव है, उनके मुख से भागवत की कथा को श्रवण करो, तब पता चलेगा कि भागवत क्या वस्तु है, नहीं तो नहीं पता चलता, नहीं तो इसका ज्ञान नहीं होता। उनसे ही पता चलता है ठीक ठीक रूप में कि भागवत कह क्या रही है, उसका अर्थ क्या है। तो भागवत को श्रवण करने की विधि है। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भक्ति जो व्यक्ति करना चाहता है उसमें पांच अंग सबसे मुख्य हैं, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रद्धाई श्री मूर्ति सेवन। साधु संग, जब तक एक व्यक्ति साधु का संग नहीं करता तब तक भागवत की बात उसके मस्तिष्क में नहीं जा सकती। भागवत में बहुत श्रेष्ठ बातें बताई गई, बहुत श्रेष्ठ बात है। इसलिए सबसे पहले किसकी आवश्यकता, साधु संग की, साधु के मुख से भागवत को श्रवण करने की विधि। भागवत श्रवण एक बहुत बड़ा भक्ति का अंग है। बोलते थोड़ा सा भी यदि कोई इसको ध्यान से श्रवण करता है तो क्या होता है, उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, भगवान की सेवा करने की भावना आती है, अपने जन्म को सफल करने की अभिलाषा उत्पन्न होती है। मैं अपना समय कितने स्थानों पर व्यर्थ गवाता हूँ, कैसे मैं अपने समय को बचाऊं, इस प्रकार की कामना हृदय में उत्पन्न होती है यदि कोई भागवत की कथा को ठीक ठीक रूप में श्रवण करे। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी हमारे वो क्या कहते थे कि जगत में लोग, बहुत सारे ऐसे लोग भागवत की कथा करते हैं जो वास्तविक रूप में भागवत को मानते भी नहीं है, हृदय से मानते नहीं, किंतु तब भी भागवत की कथा सुनाते हैं लोगों को। किस लिए, उन्होंने क्या कर लिया है, इसको क्रय विक्रय की वस्तु बना लिया है, क्रय और विक्रय की वस्तु उसको बना लिया है। किंतु भागवत क्या है वास्तविक रूप में, भागवत जीवन बनाने की वस्तु है, अर्थात भागवत ही हमारा जीवन बन जाए, भागवत ही जीवन बन जाए, अर्थात उसमें जो सब कुछ कहा गया है, जो सब कुछ हम सुनते हैं, वो हम अपने जीवन में पालन करने की अभिलाषा से युक्त हो जाए, ये भागवत को सुनने का फल है। भागवत कोई साधारण वस्तु नहीं है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भागवत की कथा कर रहे हैं किंतु ठीक से भागवत क्या कहती है वो बात बोलते नहीं। इसलिए वैष्णवों को उन्होंने अपने वचन में कहा, इसलिए वैष्णवों को क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक भागवत की कथा का ठीक ठीक रूप में प्रचार करना चाहिए, ठीक ठीक रूप में प्रचार करना चाहिए। उन्होंने साधारण रूप में एक उदाहरण दिया कि जैसे किसी स्थान पर यदि बहुत शोर हो रहा है और आप क्या चाहते हैं कि आपकी कोई बात सुने, कोई बहुत ऊंचे ऊंचे स्वर में बोल रहा है और आप क्या चाहते हैं कि आपकी आवाज लोग सुने, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उन लोगों से भी बहुत अधिक उच्च स्वर में बोलना पड़ेगा, तभी वो आपकी बात को सुन पाएंगे। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी का आदेश है कि क्या किया जाए, भागवत की कथा का अधिक से अधिक प्रचार किया जाए, ठीक ठीक रूप में जो भागवत कहना चाहती है उस वस्तु का। उसी श्रृंखला में ही हमारे श्रील गुरुदेव, हमारे समस्त गुरुवर्ग श्री चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने स्वयं ही क्या किया, इसी श्रीमद् भागवत के वास्तविक जो अर्थ है उसको प्रकाशित करना प्रारंभ किया।
कि भागवत कहना क्या चाहती है, भागवत में कहा क्या गया है। दिन रात किसी की चर्चा हो, यही एक विषय है वास्तविक रूप में चर्चा करने का। इसीलिए वेद व्यास ने उसमें क्या कहा, वेद्यम वास्तव अत्र वस्तु शिवदम। वास्तव वस्तु जो है वो क्या है, भगवान। वेद्यम वही एकमात्र जानने योग्य वस्तु है। वेद्यम वास्तव अत्र वस्तु शिवदम वही मंगलमय है। हम सभी मंगल चाहते हैं, हम लोग सभी आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं, और वो है कहां पर, आनंदमय वस्तु है भगवान। इसलिए कह रहे वही एकमात्र जानने योग्य वास्तव वस्तु है, बाकी जितनी सारी वस्तुएं हैं वो क्या है, अवास्तव। सबको ही क्या करना पड़ेगा, अवास्तव वस्तु को या तो हम स्वयं उनका व्यर्थता समझ करके उसको त्यागेंगे, नहीं तो वो हमें मूर्ख समझ के हमें छोड़ करके जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो अवास्तव वस्तु है, और वास्तव वस्तु है एकमात्र भगवान, और वही जानने योग्य वस्तु है, और कुछ भी जानने योग्य वस्तु नहीं है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसी श्रीमद् भागवत के जो रहस्य थे वास्तविक रूप में, समय के फेर से जो सारे लुप्त होते जा रहे थे, उन्होंने क्या किया, उन्हीं को एक एक करके प्रकाशित किया कि जन्म सफल कैसे हो सकता है। तत् जन्म साफल्यम देहि नाम एहि देहिषु, प्राणै अर्थै धिया वाचा श्रेया आचरणम सदा। यदि कोई व्यक्ति अपने जन्म को सफल करना चाहता है तो भागवत क्या कह रही है कि उसको क्या करना चाहिए, उसको अपने प्राण के द्वारा, अपने अर्थ के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने वचन के द्वारा श्रेया पथ ऐसा वाला मार्ग जो क्या करेगा, अंत में जाकर के बहुत सुखदायी बनेगा, उसी पथ का ही पालन करना चाहिए। फिर भागवत में बताया, निदेय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम, कि मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है इसको साधारण समझना नहीं, ये बहुत दुर्लभ जन्म है। लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते, बहुत समय के पश्चात में ये सुदुर्लभ शरीर प्राप्त होता है मनुष्य का शरीर। इसको केवल मात्र पशुओं की भांति आहार निद्रा भय मैथुन इत्यादि में व्यतीत कर देना बुद्धिमानी नहीं कहलाता। क्या करना चाहिए, वही वास्तव वस्तु को जानने के लिए ऐसे व्यक्ति का आश्रय ग्रहण करना चाहिए जो उस वस्तु को जानता है, उसके दिशा निर्देश अनुसार अपने जीवन को चलाना चाहिए, तभी जन्म में सफलता की प्राप्ति होती है। उन्होंने एक एक करके महाप्रभु ने भागवत के रहस्यों को उद्घाटित किया और अपने समस्त उपदेशों के सार स्वरूप उन्होंने जो जो कहा, उन्हीं के ही एक आश्रित ने उसको क्या किया, एक श्लोक के रूप में पिरो दिया कि भागवत क्या कहना चाहती है। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयम, आराधना के योग्य वास्तविक आराध्य वस्तु जो है वो एकमात्र कौन है, ब्रजेश तनया, महाराज नंद के पुत्र कृष्ण, ब्रजेंद्र नंदन, वही क्या है, परात्पर तत्व है। अन्य सभी कौन है, उनके दास और दासियां हैं। जितने भी समस्त देवी देवता वो भगवान के दास और दासियां हैं। जितने भी राम भगवान, नरसिंह भगवान, वराह भगवान इत्यादि, ये कौन है, ये सब उनके अवतार हैं, उन्हीं में से ही प्रकाशित होते हैं। इसलिए आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयम, सभी कारणों के कारण जो कृष्ण हैं वही क्या है, आराध्य वस्तु हैं। जैसे एक पेड़ की जड़ आराध्य होती है, उसमें जल देने से सारा पेड़ अपनी आप हरा भरा होता है, जिस प्रकार से शरीर में प्राण जो है वो आराध्य है, उसमें भोजन देना पड़ता है, भोजन देने से सारे अंगों को अपनी आप से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयम, आराधना यदि करनी है तो किसकी करनी है, उन्हीं की करनी है। और अन्य जो सब हैं, जैसे अंग की, प्रत्यंग की, और जो जो वस्तु करनी पड़ती है उतनी कर देनी पड़ती है, देवी देवताओं की, भगवान के अन्य अवतारों की,
किंतु वास्तविक रूप में मूल रूप में किसकी? भगवान ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण की। तद धामम वृंदावनम, वो रहते कहां पर है? वृंदावन में। वृंदावन किसको कहते हैं? कोई एक स्थान ऐसा वाला नहीं है जो कि भौगोलिक दृष्टिकोण से हम जिसको जानते हैं। वृंदावन ऐसा स्थान है जहां पर भक्त लोग, मद भक्ता यत्र गायन्ति, मेरे भक्त लोग जिस स्थान पर मेरा गान करते हैं, मैं क्या करता हूं? उसी स्थान पर वास करता हूं, और वही स्थान क्या कहलाता है? वृंदावन। जिस स्थान पर कोई भी शुद्ध भक्त भगवान के गुणों का गान करता है और उसी में ही संपूर्ण रूप में निमग्न हो जाता है, उसी स्थान को ही क्या कहा जाता है? वृंदावन। वहीं पर ही भगवान निवास करते हैं, इसलिए बोलते हैं जय स्थाने वैष्णवगण से स्थान वृंदावन। वृंदावन कहां पर है? जहां पर भक्त वास करते हैं, जहां वो भगवान का गुण गान गाते हैं। वृंदावन कोई ईंट पत्थर मिट्टी इत्यादि से बना हुआ कोई स्थान नहीं है, इसलिए वृंदावन के लिए क्या बोलते हैं? ब्रज किसको कहते हैं? ब्रजति चलति साचा ब्रजा, जो चलता है, फिरता है, खाता है, पीता है, उठता है, बैठता है, जागता है, वार्तालाप करता है, उसको कहते हैं ब्रज। तो इसीलिए ब्रज कहां पर है? ऐसा स्थान जहां पर भक्तगण निवास करते हैं, जहां पर भगवान के गुणों का गान गाते हैं, वहीं पर ब्रज है। तो बोल रहे आराध्य भगवान ब्रजेश तनयम तद धामम वृंदावन। वृंदावन उनका धाम है जहां पर वो सदैव नित्य लीलाएं करते हैं। उनकी उपासना, उनकी सेवा कैसे करनी चाहिए? जिससे उनको सबसे अधिक आनंद की प्राप्ति हो। कोई भी व्यक्ति भगवान की सेवा भगवान के आनंद के लिए करता है? सभी लोग भगवान के पास क्यों जाते हैं? अपनी कोई ना कोई कामना लेकर के। हम लोग जब छोटे थे, हमारी माँ हमारे को भेजती थी या फिर अपने साथ लेकर के जाती थी मंदिर में। किस लिए? आज तेरा पेपर है ना, तेरे अच्छा पेपर हो जाए, तेरे नंबर अच्छे आ जाए, भगवान को 100 रुपए का बूंदी चढ़ा दे, यही सिखाते थे ना। किस लिए जाना है भगवान के पास? मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, मेरे बेटे का अच्छा विवाह हो जाए, हमारा बड़ा घर बन जाए, और अनेक कारण। इन्हीं कारणों से लोग क्या करते हैं? भगवान के पास में जाते हैं। किंतु भगवान के पास में किस लिए जाना चाहिए? क्या भगवान हमारे ऑर्डर सप्लायर हैं कि हमने ऑर्डर किया भगवान ये कर दो और भगवान ने उसको पूरा कर दिया? अगर कर दिया तो बहुत अच्छे भगवान है, नहीं किया तो ये भगवान सुनते ही नहीं, दूसरे भगवान के पास चलते हैं, दूसरे भगवान के पास चलते हैं। किंतु भगवान सुनते किसकी हैं? किसकी सुनते हैं? हमारे महाराज जी एक कथा सुनाते थे, कि एक हैदराबाद में एक गाय थी, उसका सेवक उसकी सेवा करता था। गाय को जो भी कहता है उनका सेवक, गाय को कहता है बैठ जाओ तो बैठ जाती है, उठ जाओ तो उठ जाती है, खा ले तो खा लेती है, सो जाओ तो सो जाती है। उसको मंदिर के ठाकुर जी के सामने जो मंदिर, उसी में सोने के लिए छोड़ देते थे क्योंकि पंखा चलता है। तो उसको कहते थे कि देख ये मंदिर है ना, यहाँ पर गोबर करना नहीं, यहाँ पर मूत्र इत्यादि त्याग करना नहीं। तो वो जब उसको मूत्र आता गोबर करना होता, वो बाहर चली जाती, सब समझती है उनकी बात। तो किसी तेलुगु व्यक्ति ने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी क्या ये गाय बंगाली है, क्योंकि उनका सेवक बंगाली में बोलता था सारा कुछ। तो क्या ये गाय बंगाली है? जो भी इनका सेवक बंगाली में बोलता है सारा कुछ मान लेती है एकदम से। तो महाराज जी ने क्या कहा कि ये बंगाली जानती है, ये हिंदी भी जानती है, ये इंग्लिश जानती है, ये तेलुगु जानती है, सारी भाषाएं जानती है ये, कोई ऐसी भाषा नहीं जिसको ये गाय जानती नहीं है। मगर तुम अगर इसको बंगाली में भी बोलोगे तब ये तुम्हारी बात सुनेगी नहीं।
सुनेगी किंतु पालन करेगी नहीं। तुम्हारी बात पालन करेगी नहीं, तुम इसको कहोगे बंगाली में कि बोश बोश बैठ जा तो ये बैठेगी नहीं, तुम इसको कहोगे बंगाली में खा ले तो ये खाएगी नहीं। किसकी बात सुनेगी? जो इसकी सेवा करता है उसको बंगाली में बोले, वो इसको बंगाली में बोले, हिंदी में बोले, अंग्रेजी में बोले, सारी चीज समझ लेती है और वही काम करने लग जाती है। तो फिर महाराज जी बोलते हैं जब गाय में इतनी बुद्धि है वो क्या करती है, सुनती है किसकी बात? केवल अपने सेवक की, जो उसकी सेवा करता है, जानती है मेरे मंगल के लिए मेरे को क्या करता है, कहता है बैठ जा, मेरे मंगल के लिए कहता है उठ जा, मेरे मंगल के लिए कहता है सो जा, इसमें इसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। उसी की बात गाय मानती है, पशु का शरीर होने पर भी वो भी इस बात को समझती है, कुत्ता भी समझता है। एक घर में यदि कुत्ता हो, 10 लोग रहते हैं, तो उसमें कौन उसको प्यार करता है, कौन नहीं करता, कौन कम करता है, कौन ज्यादा करता है, वो भी जान लेता है। तो फिर भगवान क्या ये बात नहीं जानते, मेरे पास कौन किस लिए आ रहा है, मेरे सामने क्या कह रहा है, सब कुछ जानने वाले हैं। तो इसलिए कहते हैं कि कैसे उनके पास जाना चाहिए, किस प्रार्थना को लेकर के जाना चाहिए। वो भगवान क्या कहते हैं कि मेरे पास अनेकों लोग आते, क्या लेकर के आते, अनेक फरमाइशें लेकर के आते, किंतु कोई भी ये नहीं पूछने आता कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या हम आपके लिए कुछ कर दें, कोई नहीं पूछने आता। आपको पानी की प्यास लगती है, पानी पिला दें आपको, आपको खाना अच्छा लगता है, आपको खिला दें, आप कहीं घूमना चाहते हो चलो आपको कहीं बाहर ले चले, कोई सबको अपना पता है उनको क्या अच्छा लगता है, क्या खाना, क्या पीना, कहाँ घूमना, क्या करना, क्या नहीं करना, क्या चाहिए, किंतु उनको कुछ चाहिए इस वस्तु की चिंता ही नहीं करते। जैसे एक बच्चा बिल्कुल छोटा सा, वो क्या चाहता है, उसके माता पिता उसकी सारी फरमाइशें पूरी करते रहे, और वो अगर पिताजी बोल दें कि एक गिलास पानी का लेकर के आ जा, मेरे मन नहीं है, किसी और को बोलो, तो अच्छा तो अच्छा तो नहीं है। तो इसलिए बोल रहे हैं आराधना कैसे करनी चाहिए उनकी, सिखाएगा कौन, क्या वो चाहते हैं, किस वस्तु की कामना करते हैं। एक समय वो अपने मुख से बोलते हैं कि मैं क्या कामना करता हूं कि मेरी भी कोई माँ हो, मेरे लिए भी क्या करे, मन्नतें मांगे, दुआएं मांगे, मेरे लिए प्रार्थनाएं करे किसी से, मैं कोई शरारत करूं तो मेरे कान को पकड़ ले, मेरे को छड़ी दिखाए, मेरे को बांधे, मेरे को डराए, मेरी इच्छा होती है मेरा भी कोई मित्र हो, मेरे को कंधे पर चढ़ाए, मेरे कंधे पर चढ़ जाए, मेरा जूठा खाए और मुझे अपना जूठा खिलाए। सारे लोग क्या करते हैं, नहीं नहीं सबसे पहले क्या करो, इनको खिलाओ। जिस किसी ने अगर खा लिया थोड़ा सा, भगवान को भोग लगेगा नहीं, किंतु वो क्या कहते हैं कि नहीं, मुझसे प्रेम प्रेम पूर्वक मेरे को जो मर्जी दो, जूठा भी दो, मैं खाऊंगा। शबरी का मैंने क्या बेर नहीं खाया, खाया सुदामा के ऐसे वाले तंडुल जो कि पशु भी नहीं खाएगा, मैंने कहा वो नहीं खाए, वो भी खाए हैं, किंतु प्रेम से मेरे को कुछ दे करके तो देखो। इसलिए मैं चाहता हूं कोई मुझे प्रेम से कुछ खिलाए, मेरी इच्छा होती है ऐसी, मेरी इच्छा होती है कोई मेरे से रूठे मैं उसको मनाऊं, कोई मेरे को कहे नहीं नहीं हम तुम्हारे से नहीं मिलना चाहते, और मैं प्रार्थना करूं कि नहीं मेरे को अपने दर्शन दे दो, सारे मेरी सेवा ही करना चाहते, केवल मेरे पैर दबाएंगे, मेरी आरती उतारेंगे, मेरे को दीप दान करेंगे, मेरी इच्छा होती है कि मैं भी किसी की सेवा करूं, मुझसे भी कोई सेवा ले लो, किंतु प्रीति पूर्वक, प्रेम करते नहीं, चाहते हमारे लिए सब कुछ कर दें, तो मैं ऐसा वाला तो व्यक्ति नहीं हूं। जब गाय समझती है सारा कुछ, क्या मुझे नहीं समझ आता, मुझे समझ आता है। तो इसलिए क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं मेरा कोई माता पिता हो, मेरा कोई सखा हो, मेरा कोई प्रियतम हो, इस प्रकार की स्वयं कामना करते हैं। और उसमें से भी सबसे अधिक सेवा से किसकी प्रसन्न होते हैं, ब्रज गोपियों की, जैसा अभी हमने श्रवण किया,
जो भी व्यक्ति उनकी इच्छा को पूरा करने की कामना करता है उसके हृदय में क्या आ जाता है, आनंद ही आनंद आ जाता है। क्यों? क्योंकि उनका एक नाम क्या है, आनंद, आनंद का ही स्वरूप है वो। इसलिए बोलते नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के घर में क्या उत्पन्न हुए हैं, साक्षात रूप में आनंद उत्पन्न हुआ है। इसलिए जो व्यक्ति उनकी कामना करता है, जो उनकी कामना करता है उसको वो क्या करते हैं, आनंदित कर देते हैं। उसके पास में कुछ भी नहीं होता तब भी वो परम प्रसन्न। सुदामा के पास में क्या था, प्रसन्न था या नहीं, प्रसन्न था। मीराबाई उसके पास में राजमहल था, राजभवन था, राजरानी थी, किंतु सब कुछ छोड़ने में उसको कोई परेशानी हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। तो इसलिए कह रहे हैं आराधना किसके जैसी करो, कहते पहले सुनो तो सही कि सबसे अधिक उनको किस प्रकार की सेवा करवा के आनंद होता है। इसलिए बोल रहे हैं ब्रज की जो गोपियां हैं वो जैसे उनकी सेवा करती हैं वो उससे सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। आराध्य भगवान ब्रजेश तनयम तद धाम वृंदावन रम्या काचित उपासना ब्रज वधु वर्गेण जा कल्पिता। ब्रज की गोपियां जैसे उनकी सेवा करती हैं उस प्रकार से सेवा करने के लिए हमारी कामना उत्पन्न हो, पहले तो हम उसको सुने कि वो सेवा कैसे होती है, फिर उसके लिए तैयारी करें, तभी तो जाकर के वो सेवा कर पाएंगे। जैसे कोई अगर एक डॉक्टर बनना चाहता है तो पहले क्या करना पड़ेगा, विद्या अर्जन करनी पड़ेगी, फिर एक स्तर पर आने पर डॉक्टरों का संग करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब धीरे धीरे एक्सपर्टिस आएगी। इसी प्रकार से गोपियों ने, ब्रजवासियों ने किस प्रकार से उनको प्रसन्न किया, इतना प्रसन्न कर दिया उनको, उनकी बात को मान करके उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए जहां तक सीमाएं थी सारी सीमाओं को लांघ गए। इसलिए कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण उनके ऋणी बन गए, उनके चरण कमलों की धूल लेते हैं, अपने भक्तों के चरणों की धूल लेते हैं, उनके चरणों को पलोटते हैं, उनके लिए उनके जूते अपने सिर पर उठा करके चलते हैं, उनको चुल्लू भर छाछ के लिए उनके सामने नृत्य करते हैं, अजन्मा होने पर भी उनके घर पे जन्म लेते हैं, भय जिनसे भयभीत होता है वो वहां पर जाकर के रोते हैं, डरते हैं वहां पर, किस लिए, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि का नियम बदल देते, हरि का नियम बदल जाता है प्रबल प्रेम के पाले पड़कर। तो इसलिए बोल रहे हैं उनकी उपासना कैसी वाली करनी है, ब्रज गोपियों जैसी। फिर श्रीमद् भागवतम प्रमाण ममलम प्रेमा कुमर्थो महान। प्रेम किसको कहते हैं, इस जगत में प्रेम नाम की वस्तु नहीं है, यहां पर केवल क्या है, काम। काम किसको कहते हैं, अपने इंद्रियों की तृप्ति करना केवल, यहां पर केवल काम ही काम है, यहां पर प्रेम नाम की वस्तु नहीं है। जितने भी सारे लोग हम लोगों को प्रेम करते हैं उनको अगर आज पता चले कि मैं एकदम से ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो गया कि अब मैं बिस्तर पे पड़ा रहूंगा 20 साल तक, उनको मेरी सेवा करनी पड़ेगी, करेंगे तो क्या कहेंगे, इसके लिए भागवत करवा दो, गाय दान करवा दो, जितना जल्दी इसकी मुक्ति हो अच्छा है, कौन सेवा करेगा, होता या नहीं होता, ऐसा ही होता है। कौन किसको प्रेम करता है, बोलते कोई किसी को प्रेम नहीं करता इस जगत में, सब केवल काम ही काम है। यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच यूर बैक, मेरी पीठ पे खुजली होती आप थोड़ा सा खुजला दो, जब आपको होगी मैं कर दूंगा, अगर आप मेरे को नहीं करोगे मैं आपको क्यों करूं, मैं नहीं करूंगा। ये जगत है, यहां पर कोई किसी का नहीं है, जब तक स्वार्थ पूरे होते हैं तब तक सबके संबंध एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छे, आप सारा जीवन किसी के लिए बहुत अच्छा करो, एक बार अगर जान बूझ करके भी उसको उसकी परीक्षा लेने के लिए अगर आप कुछ थोड़ा सा कुछ और कर दो, देखो आपको मारने के लिए आएगा, आपका मुख नहीं देखना चाहेगा, पिता
मुख नहीं देखते, बहुत सारे पुत्र, बहुत सारे लोग पति पत्नी डाइवोर्स ले लेते हैं, भाई भाई से बात नहीं करता, मर्डर कर देता है। किस लिए? तूने मेरी बात नहीं मानी, इसे तेरे से मेरा क्या लेना देना। तो इसे इस जगत में प्रेम नाम की वस्तु नहीं है, यहाँ पर केवल क्या है, काम ही काम है। इसलिए कह रहे हैं कि जो प्रेम नाम की वस्तु है वो कहां पर विराजमान करती है, भगवान के साथ में प्रेम हो सकता है। वो एक ऐसे वाले व्यक्ति हैं जिनके साथ में मैं जैसा भी कोई व्यवहार क्यों नहीं कर लेता हूं, जितनी बार भी उनका अनादर करता हूं, उनको मारने तक के लिए भी जाता हूं, उनको गालियां भी निकालता हूं, आप कैसे हो, निराकार हो, ये गाली है। उनका बहुत सुंदर आकार है और मैं क्या कहता हूं, आपका आकार नहीं है। वो गुणों की खान है और मैं क्या कहता हूं, वो निर्गुण है। यदि एक व्यक्ति की आंखें हो और उसको आपको अंधा है क्या, तो ये गाली है या नहीं, गाली है। एक व्यक्ति बहुत बुद्धिमान, उसने आपकी कोई बात नहीं मानी, तो आप यदि कहो कि पागल है, तो ये गाली है या नहीं, गाली है। एक व्यक्ति जो है बहुत हृष्ट पृष्ट है, आपको नपुंसक है, तो ये गाली नहीं है, गाली है। इसी प्रकार से भगवान को ना जाने क्या क्या हम कह देते हैं, किस किस प्रकार से उनका अनादर करते हैं, किंतु तब भी वो हमारे एक बार केवल उनकी शरण लेने से क्या कर देते हैं। जैसे माँ उसका बच्चा जितने दोष कर बैठे, जो कुछ भी कर बैठे, एक बार अगर आकर के फिर से उनकी तरफ प्यार के प्यार से देख भी लेता है, क्षमा भी मांगता नहीं, वो उसको क्या कर देती है, एकदम से गले लगा लेती है। इसी प्रकार से भगवान, उनका हमारे प्रति प्रेम है, और कोई भी प्रेम यहाँ पर किसी का किसी के साथ नहीं हो सकता। इसलिए बोल रहे हैं श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्थो महान। जो वास्तविक प्रेम है उसका प्रमाण जो है वो कहां पर है, श्रीमद् भागवत में। प्रेम करती हैं गोपियां कृष्ण से, वो क्या कहती हैं, वो कहती हैं आपकी यदि इच्छा हो आप हमारे को दर्शन दो, आपकी इच्छा यदि ना हो हमें कभी भी अपने दर्शन मत दो, आप हमारे को गले लगाओ या फिर आप हमें अपने पैरों के नीचे रौंद दो, हम कभी भी क्या करेंगी, नो क्वेश्चन नो कमेंट नो इंक्वायरी नो डाउट। हमारा कोई भी प्रश्न होगा नहीं कि आपने ऐसा क्यों किया, नो क्वेश्चन नो इंक्वायरी, किसी और से भी कुछ पूछेंगे नहीं, नो डाउट, कोई संशय भी नहीं करेंगे, नो क्वेश्चन नो कमेंट, कुछ अपने मुख से इधर से उधर कुछ बोलेंगे वो भी होएगा नहीं। हमारा क्या है, दृढ़ विश्वास है कि आप जो भी हमारे साथ करोगे हमारे मंगल के लिए करोगे, हमारे मंगल के लिए जो कुछ भी करोगे, मेरे को यदि आप प्रेम करोगे तब भी मेरा उसमें मंगल, मेरे को यदि थप्पड़ लगाओगे तब भी उसमें मेरा मंगल। जैसे माँ अपने बच्चे को कभी मारती भी है, कभी लड़ा लाड़ लड़ाती है, तो दोनों में उसका क्या प्यार नहीं है, दोनों में ही उसका प्यार है। इस प्रकार की जो भावना ब्रज वासियों में देखी जाती है, ये सारा कुछ किसमें वर्णन किया गया है, ठीक ठीक रूप में भागवत में। इसे बोले श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा कुमर्थो महान। श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदम तत्रादरो नापरा। श्री चैतन्य महाप्रभु का यही मत है और हम वैष्णव लोग क्या करते हैं, केवल उसी का ही आदर करते हैं कि हम लोगों के हृदय में भगवान के प्रति ऐसे वाला प्रेम उत्पन्न हो जाए, हम अपने स्वार्थ के लिए उनके निकट में ना जाएं, हम उनको कभी ना कभी प्रसन्न कर पाएं। ये सारा भागवत को सुनने का क्या है, वास्तविक रूप में फल है। मैंने सबसे पहले जब गुरुदेव के दर्शन किए थे भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के, मुझे नहीं पता कौन से वर्ष में, शायद 1993 में या 94 में, कभी हरिनगर में दर्शन किए थे सबसे पहले, और वहीं पर ही हमारे श्रीपाद भक्ति वेदांत तीर्थ महाराज जी और श्रीपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज दोनों ने एक साथ में दो आसन लग करके इन्होंने एक घंटा वो कथा करते थे, एक घंटा वो करते थे, और फिर एक घंटा गुरुदेव आके कथा करते थे। तो इस प्रकार से भागवत की कथा को सबसे पहले गुरुदेव का दर्शन भी पहली बार वहीं पर ही किया था,
भागवत नाम की कोई ऐसी वस्तु होती है जो 7 दिन कथा चलती है, वो भी पहली बार ही जीवन में हुआ था कि उन लोगों के मुख से कथा को श्रवण किया था। बाद में दूसरी बार तब भी उसी प्रकार से तीर्थ महाराज जी ने, श्रीधर महाराज जी ने, उस समय उनका नाम था रसानंद प्रभु, वो उन्होंने कथा की थी राधापुरी में, तब भी गुरुदेवी कथा के लिए आधा पौना घंटा जाते थे, मुख्य रूप से यही दोनों वक्ता करते थे। तो हम लोगों ने अपने घर से, उस समय हम लोग पैंट शर्ट में जाते थे, कथा श्रवण करते थे, पहले पहले वैष्णवों से मिले थे, ठीक से पता भी नहीं था कि वैष्णवों का किस प्रकार से आदर प्रीति संबंध इत्यादि रखना चाहिए। उस समय से हमने उन लोगों को देखा भागवत की कथा करते हुए, अर्थात उस समय उनका स्तर कैसा होगा, जो गुरुदेव उनको क्या कहते थे कि तुम लोग भागवत करो, मैं बीच में थोड़ा सा आऊंगा और क्या करूंगा, कुछ कथा बोल करके चला जाऊंगा। उन्होंने ही सबसे पहले वहीं पर हरिनगर में, क्योंकि मैं 3-4 दिन के लिए रुका था मंदिर में, बहुत सारे भक्त लोग रुके थे वहां पर उस समय गुरुदेव के साथ में, 30-40 लोग, तो उस समय मैं भी रुक गया था। छत पर हम लोग सोते थे गर्मी के दिन, तो महाराज जी ने मेरे को देखा और उनको कहीं से धोती मिली थी, तो उन्होंने मेरे को ही धोती दी कि तुम यहाँ पर रह रहे हो 3-4 दिन से, हमारे साथ धोती क्यों नहीं पहनते हो, पैंट में क्यों घूमते हो। तो उस समय सबसे पहले उन्होंने ही धोती दी थी, इसलिए आज जिस प्रकार से वो बोल रहे थे कि ये भक्त लोग आए हैं, हमारा सौभाग्य है, जैसा संजय प्रभु ने भी वर्णन किया, वास्तविक रूप में ये उनका बड़प्पन ही है, हम लोग उनके बालक तुल्य हैं वास्तविक रूप में। और उनसे ही जो कुछ हमने श्रवण किया, उनकी सेवाओं को देखा, और हमारे गुरु भ्राताओं की सेवाओं को देखा, उन्हीं को देख करके हमने थोड़ा बहुत जो करना सीखा है, हम लोग उसी में सार्थक हो पाए, यही उनके चरण कमलों में प्रार्थना है। वास्तविक रूप में वो सब स्थानों पर बिना थके कितने कितने वर्षों से और कितना कितना समय वो क्या करते हैं, भागवत की कथा करते ही रहते हैं। उनका भागवत में प्रवेश और जितने मधुर रूप में वो बोलते हैं, इसलिए सभी लोग बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे उनका नाम था रसानंद, उसी प्रकार से रस ही रस बरसाते हैं, ऐसा लगता है कि केवल रसगुल्ले खा करके ही महाराज जी बोलते हैं, ऐसा भी भक्त बोलते हैं, तो उनकी भाषा में बहुत मिठास है, इसलिए उनके हृदय में भी उसी प्रकार से वो सभी भक्तों को ही क्या करते हैं, उत्साह प्रदान करते हैं। हम लोगों को भी इसी प्रकार से वो अपना कनिष्ठ भ्राता समझ करके सदैव प्रीति से हम लोगों को देखते रहें, कृपा करते रहें। हमारा यदि कभी उनके चरणों में किसी प्रकार का कोई दोष इत्यादि होता है, उसके लिए हमारे को क्षमा करें, मैंने समय बहुत अधिक ले लिया, उसके लिए भी महाराज जी से भी, आप सभी लोगों से भी बहुत अधिक क्षमा प्रार्थी हूँ। बोल प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रीपाद प्रिय प्रभु की, श्रीपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज की जय, श्रील गुरुदेव की जय। बोल प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे हरे कृष्ण। आप लोगों ने प्रभु जी से एकदम सरल से सरल भाव से प्रभु जी ने बहुत अच्छी अच्छी आपको बात बताई। आप लोग कोशिश करना उसका अपना जीवन में उतारने के लिए। अभी एक अनाउंसमेंट है, हम लोग 26 जनवरी को हम सबके सब श्री गिरिराज गोवर्धन दर्शन करने के लिए जाएंगे, हमारे प्रभु लोग भी आएंगे वहाँ पर भी। 26 तारीख का इसलिए जो लोग गिरिराज गोवर्धन जाना चाहते हैं, हम लोग आज नवीन प्रभु का नाम दे देना, नवीन प्रभु का नाम दे देना, क्योंकि उनको पता चले कितने भक्त लोग जाएंगे, फिर वही से उनको व्यवस्था करना पड़ेगा, इसलिए आज ही उनको नाम दे दीजिएगा। कल भागवत कथा में श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा की कथा है। ये गिरिराज गोवर्धन कृष्ण स्वयं बताए, ये गिरिराज अन्नकूट महोत्सव में एक अन्न की दाना जो इनकी सेवा में लगाते, किसी जीवन में घर में अन्न वस्त्र की कभी अभाव नहीं पड़ेगा, घर में माँ लक्ष्मी भरपूर रहेगी, ये गिरिराज गोवर्धन की मुखार विद से ये वाणी निकली है। इसलिए कल हम लोग यहाँ श्री गिरिराज की पूजा करेंगे। आप लोग अपना घर से कोशिश करना, जैसे कोई एक फल हो, एक छोटी बड़ी मिठाई हो, नहीं तो बगैर प्याज लहसुन से शुद्ध भाव में अगर कोई सब्जी बना सके, नहीं तो हलवा हो,
पूरी हो, कुछ ना कुछ लेकर के आना, क्योंकि गिरिराज पूजा की बड़ी महत्व है। इसलिए हम लोग 26 हो जाएंगे भी गिरिराज गोवर्धन, और हम लोग आधा परिक्रमा भी लगाएंगे, गिरिराज कथा भी सुनेंगे। आप लोग सबके सब श्री नवीन प्रभु को वही पर एक कापी पेन लेकर के वही पर किसको खड़े कर देना, जो लोग जाना चाहते हैं आज ही अब लोग नाम दे देना, फिर उनको बस की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ठीक है, बोले श्री गिरिराज महाराज की। अभी हम लोग श्री राधा रानी की जन्म की कथा जल्दी जल्दी सुन लेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा, अब चली जाएगी ना प्रसाद बांट जाएगी। ठीक है, प्रसाद बांट जाएगी ना। ठीक, हरे कृष्णा। 5 मिनट में भैया राधा रानी की भैया पिता तैयारी है, चले जाओ राधा रानी को लेकर के आना। ठीक है, देखो कुछ कुछ लोगों का प्रश्न है, जैसे आप लोग वृंदावन कौन कौन गए हो, हाथ उठाओ तो, कौन कौन वृंदावन गए हो। अब देखना वृंदावन में कोई कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते हैं, वृंदावन में किसकी नाम लेते हैं, जोर से बोलो, और जोर से, वृंदावन में सब श्री ईश्वर जी के नाम लेते हैं। लेकिन कुछ कुछ लोगों का प्रश्न है, आप इतने राधे 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 बोलते रहते हो, ये भागवत ग्रंथ क्या है। बोले सर्व वेद इतिहास नाम सार सार समुद्रता, बोले जितने सारे वेद पुराण उपनिषद का यदि जो निचोड़ है ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, सारे ग्रंथ का सार है। बोले तत्र सामृतस्य तृप्तस्य नान्यत्र स्यात् रतिपचे, अगर भागवत रस को कोई पान कर लेना उसको और किसी रस में रुचि नहीं रह जाती है। बोले ये भागवत ग्रंथ में फिर श्री राधा जी का नाम क्यों नहीं, आप इतने राधे 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 बोलते हो। लेकिन हमारे महाप्रभु के जो भक्त हैं वो लोग कहते हैं भैया भागवत में तो राधा जी के नाम के सिवाय और कुछ है ही नहीं। अभी हमारे संजय प्रभु बोल रहे थे ये भागवत ग्रंथ आश्रय ग्रंथ है, विषय ग्रंथ नहीं, ये सिर्फ आश्रय ग्रंथ है, ये भक्तों का ग्रंथ है। इसलिए भागवत मतलब भक्ता नाम भागवता नाम तथा मिति भागवत, जिसमें केवल भक्तों का चरित्र जिसमें है। इसलिए हमारे गुरु जी कहा करते थे ये भागवत में राधा जी के नाम छोड़कर और कुछ है ही नहीं। ये ग्रंथ का नाम क्या आपको बताओ तो, ये ग्रंथ का नाम क्या जिस ग्रंथ को सुन रहे हो। हाँ, केवल भागवत नहीं, इसका नाम श्रीमद् भागवतम। बोले श्रीमद् का मतलब क्या, बोले श्री मतलब होता है श्रीया श्रीमती राधा रानी, मत मतलब होता है प्रेम। बोले ये भागवत कथा नहीं, बोले ये राधा रानी की प्रेम की कथा ये श्रीमद् भागवत है। इसलिए गुरुदेव कहते थे भागवत में जो रास पंच अध्याय है, यदि भागवत का यही सार है, जैसे कोई एक शरीर है अगर उसमें प्राण नहीं फिर इस शरीर का कोई महत्व है, कोई महत्व नहीं। इसलिए कहते भागवत का प्राण क्या, बोले भागवत में प्राण है, ये रास पंच अध्याय ही ये प्राण है, और रासों में सर्वश्रेष्ठ इसी की स्थापना की गई, प्रभु जी बता रहे थे श्री राधा रानी की, क्योंकि रास में सबके सब वहां पर थे, कृष्ण भी थे चंद्रावली भी थी, लेकिन जब राधा रानी छोड़ करके चली गई वो रास बंद हो गई। इसलिए भागवत का जो सार है ये श्रीमती राधा रानी। अभी प्रश्न है फिर भागवत में राधा जी का नाम को स्पष्ट रूप में क्यों नहीं बताया, ध्यान देकर सुनो, कल सबको मैं पूछूंगा आप लोगों ने क्या सुना है, राधा जी का नाम इसमें क्यों स्पष्ट रूप में नहीं। श्री भागवत का सर्वप्रथम टीकाकार हुए एक बहुत बड़े संत जिनका नाम श्रीधर स्वामी, वो कहते हैं जब श्री सुखदेव गोस्वामी एक बार श्री राधा जी का नाम लेते थे, बोले राधा नाम उच्चारण मात्रे न सड़ मार्सिक मूर्छा भवे, वो 6 महीना तक बेहोश हो जाते थे, और इनको 7 दिन में ही ये भागवत कथा बोलना था। बोले भैया अगर राधा जी का नाम लेकर 6 महीना बेहोश हो गया फिर ये कथा कैसे सुनाओ, इसलिए उन्होंने डर से उन्होंने राधा जी का नाम स्पष्ट रूप में नहीं लिया। ये पहला कारण। दूसरा कारण क्या, श्री सुखदेव गोस्वामी राधा रानी से प्रश्न करते हैं, बोले हे राधे आपका नाम तो मैं किस रूप में ग्रहण करूं, राधा जी का आदेश है कहीं स्पष्ट रूप में मेरे नाम नहीं लेना, अगर मेरे नाम को लेना तो छुपा करके ये नाम को लेना, स्पष्ट रूप में नहीं लेना।
इसलिए कहीं श्री शब्द से, कहीं गोपी शब्द से, कहीं बधु शब्द से, हाँ इसी रूप में उन्होंने इंदिरा शब्द से उन्होंने राधा जी का नाम लिया। इसलिए श्री सनातन गोस्वामी, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इन लोगों ने वर्णना किया है भागवत का पहला श्लोक में जन्मादस्य जतः, पर जिनसे सारे रस प्रकट होता है सत्यं परम धीमही। परम सत्य को हम ध्यान करते हैं कि वो परम सत्य कौन है, बोले श्री देवी कृष्ण मई प्रकता राधिका परा देवता। ये जो परम सत्य आता है श्री पराशक्ति श्री राधा रानी के लिए। भागवत का जो रास का जो प्रथम श्लोक है, भगवान अपि तराति शरद उत्फुल्ल मल्लिका भिक्षरत्तु मनस चक्रे जोग माया उपाश्रित। रासलीला जो प्रारंभ होती है, अब लोग अभी रास दर्शन करना, उसमें राधा रानी सिंहासन में बैठती है, श्याम सुंदर जा करके राधा जी से प्रार्थना करते हैं, बोले हे ईश्वरियों रास के प्रारंभ है गयो है, आप कृपा करके रास में पधारो कि आप ही से रासेश्वरी। इसलिए गोपी गीत का जो पहला श्लोक है, बोले जय तिथे धिकम जन्मना ब्रज श्रय इंदिरा, ये इंदिरा मतलब लक्ष्मी, मूल लक्ष्मी को बोले श्री राधा रानी। इसलिए वहां पर दिखाते हर जगह में राधा जी का तो सिवाय कुछ है ही नहीं, इसलिए उन्होंने लेकिन स्पष्ट रूप में राधा जी का नाम नहीं लिए क्योंकि राधा जी का आदर्श थी नहीं। तीसरा कारण बताए, आप लोगों ने आप लोग हाथ में मेहंदी लगाते हो, कौन कौन मेहंदी लगाते हो, सब के सब। आप लोगों ने मेहंदी पत्ते देखे हो, कौन कौन पत्ते देखे मेहंदी देखे हो, बताओ तो उसका रंग कैसे, हरा है, हरा है ना, लेकिन सचमुच से वो क्या हरा है, क्या है बोलो, लाल है, लेकिन ऊपर से क्या दिखता है, हरा हरा, लेकिन उसको पीसो तभी देखो हरा हरा दिखता है, लेकिन जब उसको हाथ में लगा दो फिर हाथ का हाथ में कौन सा रंग आ जाती है, लाल, इतने लाल आ जाती है महीना तक तो छूटती नहीं। क्या तो ऊपर में भागवत दिखती है कृष्ण 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 कृष्ण, लेकिन आप पूरा कृष्ण कृष्ण दिखती है, लेकिन राधा रानी कौन है, बोले आत्मा तो राधिका है, वह कृष्ण की आत्मा कौन है, बोले सिर्फ राधा रानी। ऊपर तो दिखता है कृष्ण कृष्ण हरा 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 हरा, लेकिन अंदर में कौन है, राधे 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 राधे। इसलिए इसलिए भागवत में कृष्ण लेकिन अंदर में राधा रानी। उसका चौथा उदाहरण देते हैं, कहते कृष्ण कथा कैसे, जैसे बहता हुआ नदी, जैसे बहते हुए नदी का पानी सब पी सकते हैं, एक जानवर एक चिड़िया एक इंसान, ये बहता हुआ पानी को सब पी सकते हैं। इसलिए भागवत का दसम स्कंध में देखो केवल कृष्ण कथा है, सारे कृष्ण 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 कथा, लेकिन अगर कुएं में कोई पानी होना, कुएं का पानी सब नहीं पी सकते हैं, कुएं का पानी कौन पी सकता है, जिसको पास में रस्सी और कोई पात्र होना वही व्यक्ति ही कुएं का पानी पी सकती है। और जो कुएं का पानी बड़ी ठंडा होता है, मीठा होता है और उसमें कोई मिलावट नहीं होती, जैसे बहता हुआ पानी में कोई स्नान कर रहा है, कपड़ा धो रहे हैं, गैया खा रहे हैं, लेकिन कुएं का पानी एकदम पवित्र रहती है। उसी तरह जो कृष्ण भक्ति सब कर सकते हैं, लेकिन जो कुएं का पानी से राधा रानी की भक्ति सबकी बस की बात नहीं, राधा जी का भक्ति दुर्लभ है। इसलिए हमारे गोस्वामी जी कहते हैं ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंदम, जिनकी चरण धूलि जिनकी चरण ब्रह्मा के लिए भी दुर्लभ है, शंकर जी के लिए भी दुर्लभ है, नारद उद्धव के लिए भी जिनकी भक्ति दुर्लभ भक्ति है, लेकिन उसको कौन पा सकते हैं, रसी और पात्र। बोले भैया इसका मतलब क्या, बोले मतलब है जब तक कि कोई रसिक संप्रदाय में नहीं आए, जिस संप्रदाय में श्री राधा जी की एकांत रूप में जिस संप्रदाय में भक्ति नहीं हो, अगर वो रसिक संप्रदाय में नहीं आए ना, भैया राधा जी की भक्ति सहज में नहीं मिलती है। इसलिए कोई रसिक संप्रदाय को हमें स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन जहां तक अगर हम मंत्र ग्रहण करेंगे भगवत नाम लेंगे, अगर उसी संप्रदाय के राधा जी का भक्ति नहीं हो फिर तुम्हें भक्ति नहीं मिलेगी। वहीं पर जुड़नी चाहिए जिसमें राधा रानी को मुख्य रूप में रख करके भक्ति होती है। इसलिए हमारे संप्रदाय का नाम है ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय, ग
गौरी मतलब है वो गौरी श्रीमती राधा रानी, जिनकी राधा जी की अनुगत्य में जिनकी भक्ति कृष्ण की भक्ति की जाती है। इसलिए बहुत सारे कारण बताए भागवत में राधा जी का नाम है तो किस रूप में और नहीं तो क्यों ये भागवत में श्री सुखदेव गोस्वामी नाम को नहीं दिया। और श्री सनातन गोस्वामी वो तो बहुत अच्छी बात बताए, सनातन गोस्वामी जब रासलीला में गोपी गीत को गाए, जब कृष्ण प्रकट हुए, प्रकट होने पर कुछ सखियां थी कृष्ण के चरणों को पकड़ लिए, कोई उनके कपड़े को पकड़े, कोई गलवहनिया दिए, किसने तांबुल मांगे, लेकिन कुछ सखियां पास में भटकी थी, वो दूर से खड़ी हुई, लेकिन एक सखिया बड़ी दूर से बल एका भ्रुकुटि मापात्या कद बड़ी टेढ़ी आंख को टेढ़ी करके कृष्ण को ऐसे देख रही थी, टेढ़ी करके देख रही थी, लेकिन कृष्ण का नजर और कहीं नहीं, वो केवल उसी सखी के ऊपर उनका नजर है। लेकिन श्री सुखदेव गोस्वामी भागवत में किसका नाम नहीं लिया, लेकिन श्री सनातन गोस्वामी सब नाम ले लेते हैं। कहते उनको बाहों जो पकड़ा था, गल बहनिया जो दी थी, तांबुल मांग रही थी, वो कौन है, बोले चंद्रावली मक्खी थे। लेकिन कुछ सखियां जो दूर से देख रही थी, वो कौन, बोले ललिता विशाखा चंपक लता ये सब सखियां। लेकिन जो अकेली कोई एक खड़ी होकर के कृष्ण को भ्रुकुटि मापात्या टेढ़ी नजर से देख रही थी, कृष्ण का नजर और कहीं नहीं केवल उनको प्रति थी, इसलिए ललिता विशाखा देख रहे थे, बोले भैया भले ही उनका चरण पकड़ लो, भले ही गले बहनिया दो, लेकिन देखो तो श्याम सुंदर किसको किसको ऊपर में नजर है, बोले हमारी श्री किशोरी जी को ऊपर नजर है और किसी को ऊपर नजर नहीं। इसलिए श्री सनातन गोस्वामी सब नाम को लेकर कह देते हैं, बाद में कहते हैं बोले देखो मैं एक चंचल सखी हूँ, जिस बात को श्री सुखदेव गोस्वामी प्रकट नहीं किए, मैं चंचलता से सबका नाम को ले लिया है, सखियां हे राधा रानी फिर अपराध को माफ कर देना। इसलिए भागवत में राधा जी का नाम छोड़कर कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। इसलिए भागवत ग्रंथ श्री राधा जी का प्रेम ग्रंथ श्री भागवत ग्रंथ है। अभी राधा जी कथा सुनते हैं, बोले श्री वृषभानंद महाराज इनके घर में एक बेटा श्री श्रीधाम भैया, लेकिन घर में कोई बेटी नहीं, लेकिन इनके मन में इच्छा है घर में एक बेटी आनी चाहिए, क्योंकि घर में बेटी आए ना दुनिया कहते घर में लक्ष्मी आई है और कन्यादान की बड़ी महिमा है और राधा जी के बगैर तो कृष्ण आधा है, हैं? राधा जी के बगैर कृष्ण आधा है, इसलिए घर में एक बेटी होनी चाहिए। इनकी तो बहुत लंबी कथा है लेकिन हम संकट में सुना देते हैं। हमारे गोस्वामियों ने ललित माधव विदर्भ ग्रंथ में राधा जी कैसे प्रकट हुई, किस रूप में प्रकट हुई, बड़ी अच्छी अच्छी बात बताई। श्री वृषभानंद महाराज रोज क्या करते थे, वो जाते थे ब्रह्म मुहूर्त में यमुना में स्नान करने के लिए। जब स्नान करने के लिए गए, देखा एक सततल कमल पुष्पों के ऊपर में प्यारी एक सुंदर बालिका किलकार मारते हुए और उनकी छटा से चतुर्दिग उद्भासित हो रहा था, उजला उजला हो रहा था, वो पानी में बहते 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 वो बालिका आ रही है और इनकी तरफ में आ रही है। और श्री वृषभानंद महाराज पानी में उतरे और श्री राधा रानी को उन्होंने अपना गोद में उठा लिया, बोले श्रीमती राधा रानी की, और ला करके उन्होंने श्री कीर्तिका सुंदरी को दी। बोले कीर्तिके हम सोच रहे थे ना घर में एक लाली होनी चाहिए, देखो ठाकुर जी की विशेष कृपा है घर में एक लाली अपने आप आ गई, क्योंकि वो जो लड़की थी श्री कीर्तिका सुंदरी की ही लड़की थी और किसी की लड़की नहीं थी। देखो प्रश्न है प्रिय यमुना में कहां से आ गई, ये यमुना नदी में कैसे आई, देखो इसकी कथा सुनाए। कहते श्री कहते जो पार्वती है कहती हिमालय पर्वत का बेटी पार्वती, और पार्वती का पति कौन है, पार्वती का पति कौन है, शंकर जी भोले बाबा। इसलिए ये जो पर्वत जो हिमालय पर्वत का बड़ा अभिमान था, देखो वो हर जगह में जाकर ढींग हाँकता था, बोले जानते हो मेरे दामाद कौन है, बोले देव देव महादेव जोगी जोगी महाजोगी सत्यम शिवम सुंदरम। एक विंध्याचल पर्वत था, बोले ये तो सब जगह में अपना ढींग हाँकता रहता है, अरे मेरे दामाद सत्यम शिवम सुंदरम। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को आराधना की, बोले ब्रह्मा जी जब संतुष्ट हुए, बोले ब्रह्मा को
बोले मेरे को ऐसे एक बेटी चाहिए, ऐसे एक बेटी चाहिए हमें, ऐसे एक दामाद हो जो शंकर जी से हर गुण से श्रेष्ठ हो, हर गुण से, रूप में गुण में हर तरह से सुंदर हो, मेरे को ऐसे एक दामाद चाहिए। तो उन्होंने ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, बोले भैया दामाद कब होगा, पहले घर में बेटी हो तभी तो दामाद होगी, लेकिन साधारण बेटी होने पर काम नहीं चलेगी, शंकर जी से हर तरह से सुंदर, हर तरह से रूपमान गुणमान ये हमारे श्री बांके बिहारी श्री कृष्ण है। अगर कृष्ण दामाद हो तभी तो होगा, लेकिन कृष्ण दामाद कब होगा, तब घर में बेटी हो, अगर बेटी स्वयं राधा रानी हो तभी तो कृष्ण दामाद होएंगे। लेकिन राधा रानी ये नित्य जो लड़की है ये श्री कृतिका सुंदरी थी, इनकी ही नित्य बेटी श्री राधा रानी। अभी कृतिका सुंदरी गर्भवती इतने में, लेकिन उन्होंने वरदान मांगा, ब्रह्मा जी वरदान दे दिया। अभी उन्होंने जोग माया को आदेश दिया, ये कृतिका सुंदरी गर्भ से ये बेटी को आकर्षण करके जो विंध्याचल पत्नी की गर्भ में स्थापन कर दे। अभी राधा रानी को कृतिका सुंदरी गर्भ से लेकर के विंध्याचल पर्वत की पत्नी की गर्भ में स्थापन कर दिया। उपयुक्त समय होने पर श्री विंध्याचल की पत्नी उन्होंने दो बेटी जन्म दी, एक राधा रानी और एक चंद्रमा। लेकिन इधर क्या हुआ, जिस समय कंस ने उन्होंने जो बेटी को उन्होंने पछाड़ने के लिए गया, इतने में वो आकाश में उड़ गई और आकाशवाणी की, बोले रे मूर्ख कंस, तुम मेरे को मारना चाहते हो लेकिन तेरे को मारने वाला दूसरे जगह पर कहीं जन्म ले लिया, लेकिन वो अकेले जन्म नहीं लिया, उसको साथ में उसको शक्ति भी कहीं जन्म हुई, उसकी जो शक्ति है ना वो मेरे से भी सुंदरी, मेरे से भी ज्यादा रूपवती गुणवती, अगर उसको साथ में किसकी शादी होएगी कि जगत में वो व्यक्ति कभी मरेगा नहीं, चिर सुहागवान रहेगा, हैं जगत में अमर होगा, उसका जस पृथ्वी पर उसकी जस जाएगी। इसलिए कंस ने पुतना को बोले, देख पुतना, अगर लड़का मिलना तो मार देना, लेकिन लड़की मिले तो मारना नहीं, पकड़ कर ले आना, मैं शादी करूंगा, क्योंकि मेरी जो शक्ति ने माँ देवी ने ये बात बताए, उसकी शक्ति भी कई जन्म हुई, उसको साथ में शादी करने पर वो अमर बनेगा, हाँ वो चिर सुहागिनी बनेगी, जगत में बड़ी उसकी महिमा, सारा दुनिया में सारे महिमा जाएगी, इसलिए बेटी को पकड़ करके ले आना। अभी ये पुतना सब जगह में लड़कों को तो मार रही थी, लेकिन जब उन्होंने विंध्याचल की घर में गए, देखा दो लड़की, उसने दोनों लड़की को पकड़ करके उसने उड़ चली। जब उड़ चली इतने में विंध्याचल ने अपना पुरोहित को बोले, आप ऐसे मंत्र उच्चारण मंत्र प्रयोग करो जैसे पुतना को मार रहा। उन्होंने ऐसे मंत्र प्रयोग किया, इतने में पुतना तो छटपट 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 करने लग गई, करते 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 जो दो बेटी ला रही थी ना, उनको एक जगह में चंद्रावली को और एक जगह में सिर्फ राधा रानी को छोड़ करके वो चली गई, चली गई। इतने में राधा रानी को उन्होंने छोड़ कर चली गई। इसलिए वही राधा रानी अभी कमल पुष्प को पर बहते 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 आ रही थी, और श्री वृषभानंद महाराज उनको देखे और उन्होंने उनको अपना गोद में ले लिए। बोले श्रीमती राधा रानी की जय। अभी नारद जी ने देखा कृष्ण तो गोकुल में जन्म हो चुके हैं, लेकिन कृष्ण कभी अकेले जन्म नहीं लेते, वो उनका अपना शक्ति को साथ में कहीं जन्म लेंगे, लेकिन उनकी शक्ति कहाँ पर है। इसलिए नारद जी ब्रज की गली गलियों में सर्वत्र राधा रानी को ढूंढ रहे हैं, किशोर जी कहाँ, कहीं ललिता, कहीं विशाखा, कहीं चंपकलता। लेकिन जब उन्होंने भ्रमण करते करते आए श्री वृषभानंद महाराज के घर में, बोले आपका घर में कोई संतान जन्म हुए हो, तो उन्होंने श्रीदाम भैया को दिखाए, बोले कोई बेटी हुई कि नहीं, चुप हो गए, बोले बताओ ना, बोले हाँ एक बेटी हुई थी, बोले ले आओ। जब ले करके आए नारद तो देख करके भाई जान गए, बोले यही तो कृष्ण की लादिनी शक्ति, पराशक्ति, स्वरूप शक्ति, इन्हीं को ही तो मैं गली गली में मैं उनको ही ढूंढ रहा था। इतने में राधा जी को स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन वृषभानंद महाराज समझते हैं तो मेरी लाड़ी लाली है, मेरी ये लाली है, इन्होंने बहाना बनाए, थोड़ा फूल लेकर के आओ, आपकी बच्ची को मैं आशीर्वाद देना चाहता हूँ। जब वो अंदर में गए, इतने में राधा रानी किशोरी बनकर प्रकट हो गई, सारे ललिता विशाखा चंपकलता सारे सखियां प्रकट हो गई।
ललिता कहती है नारद जी क्या देख रहे हो, जल्दी जल्दी राधा रानी को स्तुति करो, नहीं तो राधा रानी अंदर ध्यान हो जाएगी। खैर इतने में श्री नारद जी बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं, बोले मनिंद्र बिंद बंदित त्रिलोक सुख हरि प्रसन्न भक्त भक्तये निकुंज भूमि दासिनि ब्रजेन्द्र मानंदिनि ब्रजेन्द्र सुनु संकति कदा करी सखी हम कृपा सकास भाजन अशोक दीक्षलै विशाल मंच प्रस्थिति प्रदान माधवल्लभ प्रदान रात्रि कोमलि महाराज ने पूरा ब्रज में नौटा भेज दिए और नंद बाबा को भी बोले मेरे घर में लाली वही है, सबके सब बधाई देने के लिए। नंद बाबा मैया जसोदा को लेकर के, और जसोदा जब आई अपना कन्हैया कृष्ण को लेकर गया है, अभी राधा रानी की प्रतिज्ञा थी जब तक मैं कृष्ण को दर्शन नहीं करूंगी ये दुनिया में किसी को दर्शन नहीं करूंगी, वो जन्म से ही आंख बंद करके जन्म हुई। अभी मैया जसोदा ये राजा की लाली ये राजा की लाला है, अभी मैया जसोदा कृष्ण को ला करके जिस पलंग के ऊपर में श्री ईश्वरी जी लेटे हुई थी उनको पास में कृष्ण को सुला दी। इतने में कृष्ण ने क्या किया, अपना हाथ को लेकर के श्री राधा जी को ऊपर रख लेती है। राधा कृष्ण का मस्तक स्पर्श से राधा रानी को बतंगा में प्रियतम आ गए। इतने में राधा रानी आंख खोल लेती है और सामने श्री श्याम सुंदर के दर्शन की, बोले श्रीमती राधा रानी की जय, बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की जय। अभी श्री वृषभानंद महाराज प्रसन्न थे लेकिन थोड़ी दुखी थे, बोले क्यों, बोले घर में तो लाली भाई है लेकिन जन्म से पता नहीं ये आंख बंद करके वो अंदर अंदर में क्या सोच रही है। लेकिन जब राधा रानी आंख खोल दिए ना, फिर तो वृषभानंद महाराज के आनंद की सीमा नहीं रही, फिर तो बड़े धूमधाम से उन्होंने श्री राधा रानी की जन्म उत्सव को मनाए। अभी प्रभु जी राधा रानी की बधाई सुनकर बधाई गाएंगे और उसके बाद में ठाकुर जी आरती होगी और सबके सब प्रसाद लेकर के जाना। और कल श्री अन्नकूट महोत्सव है, देखो कल मैं बता रहा था ना ये गिरिराज को बताया सर्व अभीष्ट प्रदाता, मतलब क्या है, आप गिरिराज से जो कुछ मांगो, हमारे बड़े गुरु जी कहते थे जो व्यक्ति गिरिराज की परिक्रमा करते हैं ठाकुर जी उनको पीछे 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 घूमते हैं, भले इतने कष्ट करके परिक्रमा कर रहा है ये हमसे क्या मांगेगा, जो कुछ गिरिराज से प्रार्थना करो गिरिराज सारी इच्छाओं को पूरी कर देती है। आप लोग गिरिराज गए ना कोई भी, कौन कौन गिरिराज गए देखना, वहां गिरिराज शिला को बड़े शिला रखा हुआ, बोले क्यों, गुरुदेव कहते थे जिसको जितने मंजिली मकान चाहिए ना, बोले शिला को बड़े जितना शिला रख लो उतना मंजिली मकान कर देते। आप देखना पेड़ में रस्सी बंधा हुआ देखोगे, बोले क्यों, जिनके बेटा बेटियों की शादी नहीं होती है, हैं? पर घर में कोई बिजनेस कोई बात नौकरी चाकरी जो कुछ गिरिराज से मांगो गिरिराज वही दे देते हैं। लेकिन गुरु जी कहते थे ये सांसारिक वस्तु तो गिरिराज जी आसानी से दे देते हैं लेकिन एक चीज उनको मांगो ना फिर गिरिराज चिंता करने लग जाते हैं, इसको दू क्या नहीं दू, बोले वो क्या है, बोले उनकी भक्ति उनकी सेवा उनकी प्रेम, बोले ये चीज को गिरिराज जब मांगो फिर सोचने लग जाते, बोले क्यों सोचते, बोले धन दौलत पुत्र परिवार दे कर तो भगवान छूट जाते, बोले भैया तू ले जा, लेकिन अगर जिसको भक्ति देते हैं ना भगवान को बंधना पड़ता है। अभी कथा सुन रहे थे ना भैया जसोदा कन्हैया किसे कान पकड़ती है, सारा दुनिया को जो कान पकड़ते हैं लेकिन भैया उनकी कान पकड़ते हैं,
गोपियों के चरणों में गिरते हैं, सारा दुनिया जिनके चरणों में गिरते, कन्हैया उनके चरणों में गिरते हैं। इसलिए अगर उनकी भक्ति मांगो तो गुरु जी कहते हैं, वो फिर सोचते हैं इसको दू कि नहीं दू, लेकिन वो भी दे देते हैं अगर निष्कपट रूप से श्री गिरिराज से अगर प्रार्थना कर तो। इसलिए कल आप लोग गिरिराज के लिए कुछ ना कुछ लेकर के आना, कोई फल हो कोई मिठाई हो जिसको जो लेकर के आना, क्योंकि गिरिराज स्वयं कहते हैं जीवन में एक अन्न की दाना उनकी सेवा में जो लगाता है किसी जीवन में अन्न वस्त्र के घर में अभाव नहीं पड़ेगी, ये गिरिराज स्वयं ये बात को बताए। इसलिए कल हम लोग बड़े धूमधाम से श्री गिरिराज जी का अन्नकूट मनाएंगे। इसमें क्या क्या नाम लिखो भैया? हाँ आज नवीन प्रभु, आज प्रसाद किसने दिया? श्री अमरदीप और श्री प्रदीप कुमार सागर और श्री और रोबिन, आज इन लोगों ने आप सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था की है। आज राधा रानी की जन्म तिथि है, राधा रानी ये मैं मूल लक्ष्मी है, इसलिए राधा रानी की सेवा में जिन लोगों ने दिया राधा रानी की बड़ी कृपा हुई है उनके ऊपर में, इसलिए आप लोग इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। ठाकुर जी इनको भक्ति और प्रेम प्रदान करें और जीवन में इनकी शांति सुख प्रदान करें। जब जिनका नाम लिया आरती का समय में आप आ जाइएगा, ठाकुर जी को आरती उतारना और यहाँ से प्रसाद लेकर जाना। अभी ले आओ भैया राधा रानी को ले आओ। कहाँ है राधा रानी? कहाँ है? हाँ आजा। बोले श्रीमती राधा रानी की, बोले श्री विश्वानुराज नंदिनी की जय। जय श्री राम। आज जो गिरिराज जाएंगे आज आज ही नाम लेकर जाना, एक कापी लेकर का गेट में खड़े हो जाना, जो जाएंगे उनका नाम लिखना। राधा रानी प्रगट भया पधारी।